ज्योमेट्री में जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 40 के आसपास क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर प्री के मेंस के और नए क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। देखेंगे ध्यान से, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है? तो सभी को पता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड केंद्र, जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को काटती। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको देखने में इजी लग रहा होगा, पर जब आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने बैठोगे तो होगा नहीं एक बार में। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, साइड बीसी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, देन इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है? चलिए सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, ये आपका है एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये हो गया ट्रायंगल एसीबी। अब आप सोच रहे हो कि मीडियन जो है ऐसे परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, मीडियन एडी तो बीसी पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका एबीसी दिखाई दे रहा है सबको, इसमें साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ये हो गया मिड पॉइंट डी और ये हो गया मीडियन एडी और ये हो गया देखो परपेंडिकुलर, देखो दिख रहा है सबको, मीडियन एडी जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है साइड एसी पे। दैट मींस कहने का मतलब ये था कि ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज है, ट्रायंगल एबीसी साइड एसी, मीडियन एडी खींचेगी तो साइड एसी पे परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का। आपसे पूछा है एबीबीसी एसी में क्या रिलेशन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, तो यहां पे आपकी दो चीजें लगने वाली है, जो कि मीडियन की बात हुई है तो यहां पे लगेगी आपके अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री एंगल आया है तो यहां पे लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, दोनों थ्योरम का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो पहले यदि आपने साइड बीसी की मीडियन खींची है एडी, तो अपोलोनियस थ्योरम से क्या आएगा, उससे आएगा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस, चाहे सीडी लिख लो चाहे बीडी लिख लो, एक ही बात है, लेकिन सीडी बीडी है क्या, बीसी बाई टू, यानी कि बीसी स्क्वायर बटे चार हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बटे चार प्लस सीडी का स्क्वायर, यानी कि बीसी स्क्वायर बटे चार। कोई समस्या इसमें कि हमको जो रिलेशन चाहिए वो ए बी बी सी एसी यानी कि त्रिभुज की साइड में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये एडी स्क्वायर क्या है, एडी क्या है, यदि मैं ट्रायंगल एडीसी को देखूंगा, ट्रायंगल सीएडी को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल सीएडी को, कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये एंगल कितना है 90, 90 के सामने क्या है सीडी, तो सीडी क्या है आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सीडी है क्या आपका बीसी बटा दो, ये साइड क्या है एसी, तो यहां पर एडी स्क्वायर जो होगा वो होगा बीसी स्क्वायर बटे चार माइनस माइनस एसी स्क्वायर और प्लस का बीसी स्क्वायर बटे चार, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे AD स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माने दिस साइड का स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे 4 माइनस AC स्क्वायर, यही तो आएगा, AD स्क्वायर की जगह मैंने वहाँ पे चुपका दिया, क्लियर है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कोई ऐसे फंडा नहीं। अच्छा ये माइनस का AC स्क्वायर, दो की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का दो AC स्क्वायर इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, जल्दी जल्दी किया करो, बच्चे नहीं हो आप, माइनस का 2ac स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा तो प्लस का 3ac स्क्वायर प्लस ab का बराबर, अच्छा bc स्क्वायर बटे 4 प्लस bc स्क्वायर बटे 4, कहने का मतलब bc स्क्वायर बटा 2, कहने का मतलब बीसी स्क्वायर बटे दो, और बीसी स्क्वायर बटे दो की बीसी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बचेगा आपका बीसी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आया थ्राइस ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। ये कहीं पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो 3bc आ रहा है, 2bc आ रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यदि हम अरेंजमेंट करें तो 3ac स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, थ्राइस ऑफ ac स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को, बहुत ही शानदार अच्छा लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन बहुत प्यारा सवाल है, आसान क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे ध्यान से। इन ट्रायंगल एबीसी जी सेंट्रोइड दिख रहे हैं आपको, त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, इसका सेंट्रोइड है जी, एसी की वैल्यू 18 दी है, तो साइड एसी दिया है आपको 18, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जीडी की वैल्यू पूछी है, जहां पे जी क्या है आपका सेंट्रोइड है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैसे, अच्छा ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, यानी कि जो लाइन जीडी है वो तुम्हारी लाइन एसी के पैरेलल होगी, दोनों लाइन आपस में समांतर होगी, क्योंकि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा अल्फा इक्वल है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, कोई डाउट किसी को, ये सेंट्रोइड है, यदि मैं बी से जी को मिलाऊं तो सेंट्रोइड, आगे बढ़ाऊं तो मीडियन, तो ये जो लाइन बीई है ये तुम्हारी क्या है साइड एसी की मीडियन है, और एसी की लंबाई यदि 18 है तो ईसी कितना बचा, ईसी बचा आपका 9 सेंटीमीटर, ईसी कितना बचा आपका 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, ए भी कितना 9 सेंटीमीटर, हाफ हाफ हो गया, ई मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्रायंगल बीजीडी ट्रायंगल बीईसी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों के दोनों क्या आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं, कैसे, दोनों ट्रायंगल भी एंगल अल्फा अल्फा, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कि करस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या है, अभी देखते हैं। सेंट्रोइड मीडियन को दो अनुपात एक के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि बीजी यदि दो पार्ट है तो जीई एक पार्ट होगा, यानी कि बीई कितने पार्ट होगा, तीन पार्ट, यानी कि ट्रायंगल बीजीडी और ट्रायंगल बीईसी की करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो 2:3 है, कितना 2:3, सो जीडी से जो ईसी का रेशियो है ये भी तो 2:3 होना चाहिए कि नहीं, जीडी से जो ईसी का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये भी 2:3 होगा, तीन यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक के वैल्यू 3, तो दो यूनिट के वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जीडी की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, क्लियर, कोई डाउट इसमें, जीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा प्यारा सवाल था, चलिए आगे बढ़ेंगे।
गुड, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके एसएससी सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड जी इज सेंट्रोइड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी सेंट्रोइड है, एक्स वाई 11 वाई जेड 14 है एंड एक्स जेड 7। तो अपने पास एक ट्राइंगल है, ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला है, एक्स वाई 11 वाई जेड 14 और एक्स जेड 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड, वाई जेड का मिड पॉइंट हो गया एम, ओके, वाई जेड का मध्य बिंदु बताया है इसमें एम। Then find the length of GM. GM की वैल्यू क्या है और G क्या है, सेंट्रोइड। अच्छा, X क्या है, वर्टेक्स M है, मिड पॉइंट, तो XM क्या होगा, तुम्हारा मीडियन होगा, और सेंट्रोइड जो इसी मीडियन पे कहीं पे लाई करेगा, ये होगा तुम्हारा G, सेंट्रोइड। तो मुझसे ये कांटा दूरी, आपकी ये कांटा दूरी, ये GM ये पूछा है, कैसे निकालोगे? पहले तो आप मीडियन XM की वैल्यू निकालो, उसके बाद मुझे पता है सेंट्रोइड मीडियन को 2/1 में डिवाइड करता है, मेरा GM आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है मीडियन की वैल्यू निकालना, XM की क्या लगाओगे, अपोलोनियस थ्योरम। सभी को पता है हमने यदि साइड YZ की मीडियन खींची है तो बची साइड का 11 और 7, तो 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, क्लियर है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या आएगा, एक्स एम का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स एम स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा वाई जेड 14 है, तो वाई एम लो चाहे एम जेड लो, सब क्या है 7, हाफ हो जाएगा 7 स्क्वायर। ये हो गया आपका अपोलोनियस थ्योरम। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 170, 170 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 85, 85 बराबर एक्स एम स्क्वायर प्लस 49, क्लियर है भाई, देख सकते हैं यहां से। तो 49 को इधर लाओगे, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 4 गया ये तुम्हारा 3, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। 36 बराबर आ गया आपका एक्स एम स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से, तो XM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। XM कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, कोई डाउट, सबको बात समझ में आई ना। XM यहां से आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, XG से जो GM का जो रेशियो 2:1 होगा, XM तुम्हारा है कितना, टोटल 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट के लिए क्या आ जाएगी तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, 2:1 में ब्रेक कर दिया, तो आपसे GM पूछा है, तो GM कितना आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है सी ऑप्शन, क्लियर है। तो इतने आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक फंडामेंटल मैंने बहुत अच्छे से कराया, आपको सारे प्रूफ बताए हैं, कहां से चीजें उत्पन्न हुई है सब कुछ बताया है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हमारी सेट का देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR सीज सेंट्रोइड, आपके पास है एक त्रिभुज, खूबसूरत सा ट्रायंगल है PQR, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका PQR, इसका सेंट्रोइड है C, ठीक है। PQ की वैल्यू दी है 30, QR दिया है आपको 36, ओके, एंड PR दिया है आपका 50, PR दिया आपका 50, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, CD की लंबाई क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, QR का मिड पॉइंट है D, देखो ये हो गया मिड पॉइंट, और आपसे ये मिलाया हमने ये P से D को, ये तो मीडियन होगा, और सेंट्रोइड है आपका C, D क्या है तुम्हारा, QR का मिड पॉइंट है, ये आपका D हो गया, सेंट्रोइड C है, तो इसी मीडियन को होगा, आपसे ये CD पूछा है, आपसे ये CD पूछा है। सो बहुत आसान सवाल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया था ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या लगाओगे पहले, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम से निकालोगे मीडियन की लंबाई, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट लगाना दिखा रहा हूं मैं इस बार, 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 2500 प्लस 900 कितना आ जाएगा आपका 3400, आगे भाई बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन PD का स्क्वायर प्लस कितना 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें किसी को? तो 3400 से 2 ये आपका 1700 टाइम्स कट गया 1700 माइनस 324 बराबर आ गया आपका PD स्क्वायर, क्लियर है। ये कितना आ गया 6, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, ये 1276, कोई डाउट, बराबर PD स्क्वायर, क्लियर है, ये आ गया आपका PD स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे, ये आ गई आपकी PD की वैल्यू, ये क्या आ गया आपकी PD की वैल्यू, कोई डाउट है, 1276 अंडर रूट 1276 बराबर PD, कोई डाउट है भाई इसमें यहां तक। चलिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है CD की लंबाई क्या होगी, ये आपकी PD की लंबाई आई है, आपसे CD की लंबाई पूछी है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल मीडियन को 2/1 में डिवाइड करता है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, 1/3 करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 1276/3। देखिए 5 आने का तो कोई मतलब है नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, ये जो अंडर रूट 1276 है ना, 86 इंटू 16 है, 16 छक्कम 96 कचे यहां से लगे नो, और 16 कम शाम में कछा से लगे नो, और 16 और 8 16 28 और 9 137, कुछ गड़बड़ किया, 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 137 आएगा, 1376, तो ये 86 इंटू 16 का अंडर रूट और बटे तुम्हारा 3, ठीक है भाई। 16 का अंडर रूट कितना जाएगा आपका 4 अंडर रूट 86/3, 4 अंडर रूट 86/3, ए ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर है, क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो बहुत आसान, आपको अपोलोनियस थ्योरम लगानी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपके एसएससी सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल एबीसी बीडी एंड सीई आर टू मीडियंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, आपके पास ये है एक ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना, उसमें क्या बोला है आपको, एबी बराबर 22 और एसी बराबर 19, एबी की लेंथ बताइए 22 और एसी की लेंथ बताइए आपको 19, ठीक है। उसके बाद बीडी एंड सीई आर टू मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये मीडियन होगी आपकी बीडी और ये मीडियन हो गई आपकी सीई, दोनों मीडियन होगी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटनी है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा बीसी की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, तो जिन दोनों साइडों के हमने मीडियन खींची है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर के, क्लियर है, बात खत्म।
ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन केवल तभी लगेगा जब दोनों मीडियम को 90 डिग्री के एंगल पे काटें। ठीक, एबी की वैल्यू कितनी दी है 22 स्क्वायर, एसी की वैल्यू कितनी दी है 19 स्क्वायर, बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर, 484 प्लस 361 बटे 5 बराबर ये बीसी स्क्वायर आ जाएगा आपका, 4 × 5 = 8 × 14 = 4, 4 × 5 = 8 = 45 बटे 5 बराबर बीसी स्क्वायर। ठीक है, 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 3 और 5 × 3 = 169 बराबर बीसी स्क्वायर, 169 बराबर आ गया बीसी स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर, बीसी कितना आपका 13 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान सवाल है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको बस थ्योरम पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो सवाल आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखना है आपको, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। PQR इज ए ट्रायंगल सच दैट PQ = PR, PQ = PR। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ = PR है, दैट मींस ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एंड QT आर मीडियन टू साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली, RS एंड QT मीडियन, ये मीडियन हो गया आपका RS, ये मीडियन हो गया आपका QT, ठीक है, क्यों ये हो गया आपका QT। चलिए उसके बाद द मीडियंस RS एंड QR इंटरसेक्टेड राइट एंगल, दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है, ये राइट एंगल पे एक दूसरे को काट रही है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ/QR2, PQ/QR2 की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया PQ/QR2 की वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हो कि आप 5/2, सिंपल है, दोनों मीडियम जिसको राइट एंगल पे काट रही है, तो यहां पे क्या आएगा आपका PQ² + PR² बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ QR² के। क्लियर है, यहां पे PQ और PR दोनों आपस में बराबर ही है, तो PR की जगह क्या रख सकता हूं मैं, PQ² + PQ² क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PQ² बराबर 5 टाइम्स ऑफ QR², तो PQ² / QR² कितना आएगा आपका 5/2, PQ / QR² कितना आएगा आपका 5/2, ये पूछा था आपसे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ध्यान से, ABCG राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, AD एंड CE आर टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी। ठीक, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, सो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसकी मीडियन खींची है हमने ये AD और इसकी मीडियन खींची है हमने ये क्या बोला इसलिए CE, AD और CE दोनों मीडियन हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया आपके। ठीक है, चलिए इसके बाद इफ AC बराबर 5, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है एंड AD बराबर 3√5/2, AD की वैल्यू 3√5/2 है, तो CE की वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको बताया कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल की यदि आप दो लेग्स की मीडियन खींचते हो, दो लेग्स की AB और BC के राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स हमने इनकी मीडियन खींची AD और CE, तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम, 4 टाइम्स ऑफ AD² + CE² इक्वल होगा आपका 5 टाइम्स ऑफ AC² के, 5 टाइम्स ऑफ AC² यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, चले यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ AD कितना होता है 3√5/2, 3√5/2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9 × 5 = 45, 3√5/2 9 और एक हमारा 5, 45/4, क्लियर है, प्लस CE² तो आपको निकालना है बराबर 5 टाइम्स ऑफ AC, AC की वैल्यू कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 प्लस 4 CE² बराबर 125, ये आ जाएगा 125। क्लियर भाई, चले तो 4 टाइम्स ऑफ CE² बराबर 125 - 45 80 हो गया, 80, 4 से 80 कितनी बार कट गया आपका 20 बार कट गया, तो CE कितना आ गया आपका फिर अंडर रूट 20, CE कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 20, कोई डाउट इसमें? और अंडर रूट 20 का मतलब 4 × 5 = 20 यानी कि 2√5 सेंटीमीटर, CE की लेंथ कितनी आएगी 2√5 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यदि आपको पता है कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम दो लेग्स की मीडियन खींचें तो उनके स्क्वायर के सम का 4 गुना बराबर होता है उनके जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है उसके स्क्वायर के 5 गुना के, तो आप इजीली कर सकते हो, आपको दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC AB रेशियो AC बराबर 3:5, इफ A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड AD इज द मीडियन ऑफ साइड BC, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये हो गया आपका ट्रायंगल इस तरीके से, ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB से जो AC का जो अनुपात है वो 3:5 है, यानी कि AB यदि 3 यूनिट है तो AC 5 यूनिट है। ठीक है, AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो हमने ये खींचा एंगल A का बाइसेक्टर, तो ये हो गया एंगल A का बाइसेक्टर। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AD इज द मीडियन, AD जो है मीडियन है साइड BC की, तो ट्रायंगल ABC का एरिया AED के एरिया का कितने गुना है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर किधर होगा और मीडियन किधर होगी, ध्यान से समझना। AB से AC का अनुपात दिया 3:5, आपने पढ़ी है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग यदि एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हम इसका एंगल A का, एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो 3:5 है, तो ये अपोजिट साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि BE से EC का अनुपात भी 3:5 होगा, BE से जो EC का अनुपात है 3:5 ही होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, यानी कि BE यदि 3 है तो EC आपका 5 है, तो पूरा BC कितना हो गया 8, अगर पूरा BC 8 हो गया, यदि मैं मीडियन खींचूंगा तो हाफ ऑफ करेगी 4:4 में डिवाइड करेगी, यानी कि जो मीडियन AD आएगी वो इस तरीके से आएगी कि ये तुम्हारा DC 4 होगा, ये तुम्हारा BE 3 होगा और ये जो AD बीच में बचा ये तुम्हारा फिर 1 होगा, ये तुम्हारा 1 होगा, ये आ जाएगा आपका
इस तरीके से ट्रायंगल आपका सेट हो जाएगा, तीन होगा ये चार होगा क्योंकि एडी आपकी मीडियन है, एडी क्या है आपकी मीडियन है, जो लेंथ बीडी की होगी वही लेंथ आपकी डीसी की होगी, चार चार हो गया, एडी आपका वन आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। ट्रायंगल एडी का जो एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ट्रायंगल एडी के एरिया से कितने गुना है, आठ गुना है, डी ऑप्शन, कितने गुना है, एट टाइम्स है भाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। यदि मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडी की बात करूं तो दोनों की हाइट बराबर है, दोनों सेम बेस पे हैं, दोनों सेम बेस पे हैं, हाइट दोनों की बराबर है, लेकिन ट्रायंगल एबीसी का जो बेस बी सी ये तो है 8 और ट्रायंगल एडी का बेस कितना है 1, तो बेस 8 गुना हो गया, हाइट बराबर है तो एरिया भी कितने गुना होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, देखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बीई एंड सीएफ आर मीडियंस इंटरसेक्टिंग एट जी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एफजीई एंड ट्रायंगल एबीसी। ध्यान से सुनना, आपके पास है एक ट्रायंगल इस तरीके से, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद हमने मीडियन बीई और सीएफ खींची, ये हो गया आपका मीडियन बीई और ये हो गया मीडियन, हो गई आपकी सीएफ, जो एक दूसरे को पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हो गया आपका पॉइंट जी और ये सेंट्रोइड भी होगा। इसमें ए की जो लंबाई है वो ईसी के बराबर है, एफ की जो लंबाई है वो एफबी के बराबर है। पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एफजीई, अगर मैं एफ से ई को मिलाऊंगा तो छोटा ट्रायंगल बन जाएगा एफजीई, ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा आप लोगों को पता भी होगा, ट्रायंगल एफजीई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का क्या रेशियो होगा, तो ये रेशियो जो होता है हमेशा 1/12 होता है, 1/12, यानी कि ट्रायंगल एफजीई का एरिया यदि 1 यूनिट है तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया 12 यूनिट होगा, ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी रखना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अच्छा ध्यान सुनिए, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जैसे आप ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, यदि मैं सेंट्रोइड से यदि मैं वर्टिसेस को मिला दूं तो तीन इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल बनेंगे, मतलब यदि इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका भी 4 यूनिट होगा, इसका भी 4 यूनिट होगा, इसका भी 4 यूनिट होगा, ये मैंने बताया था आपको, ये हमने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि यदि आपका ये ट्रायंगल एबीसी है, यदि मैं इसकी मीडियन खींच दूं एडी बीई सीएफ, एडी बीई सीएफ ये आपकी मीडियन है, तो अगर ये एरिया आपका 2 यूनिट है तो ये भी 2 होगा, 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 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में आपका डिवाइड हो जाएगा एरिया, कोई डाउट इसमें? चलिए अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे ये जो ट्रायंगल बीजीई दिख रहा है, ट्रायंगल बीजीसी जो दिख रहा है ये पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होना चाहिए कि नहीं, ट्रायंगल बीजीसी है क्या, ये तो है, ये तो है, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होना चाहिए कि नहीं, 1/3 होना चाहिए। यदि मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया मैंने मान लिया, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 12, 12 क्यों माना वो भी मैं बताऊंगा, यदि मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया 12 मानता हूं तो बीजीसी का एरिया कितना होना चाहिए, 4, ट्रायंगल बीजीसी का एरिया कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को? यदि मैं पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया 12 मानता हूं तो बीजीसी का एरिया कितना होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, क्या चीज ध्यान से देख लिया, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल बीजीसी, ट्रायंगल एफजीई, ट्रायंगल बीजीसी एंड ट्रायंगल एफजीई, दो ट्रायंगल, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दोनों के दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एफ बी मिड पॉइंट है, ई बी मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और जब पैरेलल है मिड पॉइंट फ्रॉम से पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल तीसरा वाला इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एफ और ई क्या है तुम्हारे मिड पॉइंट, एफ ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ ई की जो लंबाई वो बी सी का हाफ होगी, यानी कि अगर बी सी 2 है तो एफ ई 1 होगा, यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 है, एफ ई से जो बी सी का जो रेशियो है वो 1:2 है, ये दिख रहा है ना, एफ ई 1 है तो बी सी 2 है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, ट्रायंगल एफ जी ई और ट्रायंगल बी जी सी सिमिलर ट्रायंगल, इनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होगा, यानी कि इनके एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:4, एफ जी ई और बी जी सी का 1:4 होना चाहिए एरिया का रेशियो, अगर एरिया का रेशियो 1:4 ही ऑलरेडी 4 दे रखा है तो ट्रायंगल एफ जी का एरिया कितना आ गया, 1 यूनिट, ट्रायंगल एफ जी ई का एरिया कितना आ गया, 1 यूनिट। क्लियर है, ट्रायंगल एफ जी ई का एरिया कितना आ गया, 1 यूनिट, बस बात खत्म, यही पूछा था। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या माना था, 12, और एफ जी ई का कितना आ गया, 1, तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा, 1/12। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? चलो नाउ, कहने का मतलब है आप इसको याद ऐसे भी रख सकते हो कि यदि आप ट्रायंगल की दो मीडियन खींचे, उनके मिड पॉइंट को मिलाए, सेंट्रोइड को मिलाए, तो जो छोटू ट्रायंगल बनेगा वो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होगा। आप इसको यहां से भी देख सकते हो कि जैसे ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। अब हम मैं खींचता हूं मीडियन, मैंने खींची मीडियन, ये हो गया बीई, मैंने खींची मीडियन, ये हो गया एडी, मैंने खींची मीडियन, ये हो गया सीएफ। क्लियर है, ये हो गया सेंट्रोइड जी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये आपका इसके इक्वल है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, मैंने एफ से मिड पॉइंट को मिलाया और सेंट्रोइड को मिलाया तो सभी को दिख रहा है कि ये एरिया कितना है, 1, सपोज एरिया 1 है, तो ये जो मैं एफ से जी को और ये डी को मिलाऊंगा, क्लियर है ना, ये मिड पॉइंट है, ये सेंट्रोइड है, तो ये एरिया भी 1 ही होना चाहिए, ये एरिया भी 1 ही होना चाहिए, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, डी में मिलाऊंगा, ये सेंट्रोइड है, तो ये एरिया भी 1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, एकदम सेम पिक्चर है। यदि मैं ट्रायंगल डीईएफ को ध्यान से देखूं तो इसका एरिया कितना आया, 3, जबकि पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, 12, और डीईएफ है क्या, ये ट्रायंगल डीईएफ है क्या, ये क्या है आपका ट्रायंगल डीईएफ, मीडियल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल, जो कि मीडियल ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है ट्रायंगल एबीसी के एरिया का, मीडियल ट्रायंगल का एरिया। अगर ये 3 है तो ये एरिया भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और पूरा कितना होगा, 12, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना, 12, यानी
कि तीन ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल मिलके ही तो आपका ये ट्राइंगल बनता है मिडिल ट्राइंगल। तो ये मिडिल ट्राइंगल का वन थर्ड पार्ट ही था। क्लियर है कि नहीं? मिडिल ट्राइंगल ऑलरेडी 1/4 होता है, उसका भी 1/3 कर दो तो आपका ट्राइंगल एबीसी का एरिया, उसका भी 1/3 कर दो तो आपको ट्राइंगल एफजीई का एरिया मिल जाएगा। तो सारे के सारे पिक्चर और सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 है, पी और क्यू मिड पॉइंट है साइड ए बी और बीसी के रेस्पेक्टिवली, तब इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है? तो मैं आपको ऑलरेडी ये थ्योरम बता चुका हूं राइट एंगल ट्राइंगल की, कि अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज इसमें एंगल बी 90 है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या है आपकी पी और क्यू मिड पॉइंट है साइड ए बी के, इसका मिड पॉइंट है पी और इसका मिड पॉइंट है क्यू, तो हमने इस तरीके से मिलाया ए क्यू को और हमने मिलाया ये है पी सी को, तो रिजल्ट ये होता है कि ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर यानी कि लेग्स के स्क्वायर का सम बराबर हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस होती है ना PQ, ये जो डिस्टेंस होती है मिड पॉइंट को मिलाने वाले PQ, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी। क्लियर भाई, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। इन ए ट्रायंगल एबीसी एडीबीई एंड सीएफ आर मीडियन व्हिच इंटरसेक्ट एट जी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी एंड ट्रायंगल बीईसी। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि ट्रायंगल के जो मीडियंस होती है वो ट्रायंगल को छह इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले बनाओ यहां पे एक ये ट्रायंगल, ये बना अपने पास एक ट्रायंगल बड़ा सा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और इसके मीडियन है आपकी एडीबीई सीएफ, तो ये हो गया मीडियन एडी, ये हो गया मीडियन बीई और ये हो गया आपका मीडियन इस तरीके से सीएफ। एक दूसरे को पॉइंट जी पे काटती है, ये काटा पॉइंट जी पे। तो पूछा क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी, क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी, एजीसीबी क्वाड्रिलेटरल का मतलब देखो ये ए है, मैं कांटा बना रहा हूं, ए जी, जी से सी जाओगे, फिर सी से बी जाओगे और फिर बी से ए पे वापस आ जाओगे, ये बनेगा क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी। इसके एरिया का रेशियो बताना है बीईसी से, बीईसी मतलब कौन सा, बी से ई पे जाओगे फिर ई से सी पे आओगे फिर वापस आ जाओगे बीईसी से, ये रेशियो बताना है आपको। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी का ट्रायंगल बीईसी के एरिया से रेशियो बताना है। तो अगर मुझे पता है कि एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 1 1 1 1 होगा, सारे एरिया इक्वल इक्वल होंगे। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी की बात करूं तो कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल आ रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल बीईसी की बात करूं तो कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, टोटल 1 1 1, टोटल 3 ट्रायंगल आ रहे हैं, रेशियो क्या गया 4:3। ठीक है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ट्रायंगल देखना था कि क्वाड्रिलेटरल एजीसीबी कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है, 4 से, बीसी 1 2 3 से, बात खत्म। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी बीई एंड सीएफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट एट जी, इफ एजी कट्स ईएफ एट ओ देन फाइंड एओ बाय ओजी। ठीक है, तो आपके पास पहली बात है, यहां पे बनाते हैं एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी आपके पास है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना, बीई और सीएफ इसकी मीडियन है, तो ये मीडियन हो गई इसकी, ये हो गया मीडियन बीई, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये हो गया आपका मीडियन सीएफ, ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये दूसरे को काटती है सेंट्रोइड जी पे, आपका सेंट्रोइड जी हो गया। एजी कट्स ईएफ एट ओ, एजी कट्स ईएफ एट ओ, तो ये पहले हमने मिड पॉइंट्स को मिलाया, तो इस तरीके से तो पहले आपके मिड पॉइंट मिलेंगे, और एक लाइन है आपकी ये एजी, ए से हमने जी को मिलाया, एजी जो है ईएफ को ओ पे कट करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एओ बाई ओजी का अनुपात क्या होगा, इसको याद भी रखेंगे कि एओ बाई एजी का अनुपात जो 3:1 होगा, एओ बाई एजी का जो रेशियो है वो 3:1 होगा हमेशा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पेपर में कई बार ये थ्योरम पूछी जा चुकी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी आया कहां से मैं बताता हूं, पहली बात तो एफ मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ये जो लाइन एफ ए तुम्हारी बीसी के पैरेलल,
होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, पैरेलल होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए इसमें ये ए क्या है आपका वर्टेक्स है, जी सेंट्रोइड, आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा एडी क्या बनेगा, मीडियन। बनेगा एडी क्या बनेगा, मीडियन। यदि सपोज मैंने मीडियन एडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर मान ली, सपोज मैंने मीटर की लंबाई 6 सेंटीमीटर मान ली एडी की, क्यों एडी की लंबाई हमने 6 सेंटीमीटर मान ली, 6 क्यों मानी, क्योंकि मुझे बटा 2 बटा 3 करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 और 3 का मल्टीपल ही मान लिया। आप एक्स मान लो कुछ ही मान लो, डजंट मैटर, एडी की लंबाई आपने 6 सेंटीमीटर मान ली, अगर मैं सेंट्रोइड जी को देखूं तो सेंट्रोइड जी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो एजी तो हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, एजी तो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जीडी हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि एडी 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑटोमेटिकली एजी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कोई डाउट है, और जीडी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, समझ में सबको। नाउ मैंने आपको बताया है कि ये है तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी, ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, साइड एबी का मिड पॉइंट है एफ, साइड ईसी का मिड पॉइंट है ई, तो मिलाओगे तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल एएफई, ट्रायंगल एबीसी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल की करस्पोंडिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा, हर करस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि एफई जो है ये 1:2 के रेशियो में होगा, एफई और बीसी, हर करस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। तो यदि मैं यहां से इस तरीके से ये मीडियन मिला रहा हूं, तो ये इस ट्रायंगल की भी मीडियन होगी, और ये बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन होगी, ये भी 1:2 में आएगी, यानी कि अगर पूरा ये तुम्हारा 6 है भाई, अगर ये तुम्हारा पूरा एडी 6 है, तो एओ 3 हो जाएगा, एओ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ओडी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये बात आपको समझनी है, क्योंकि आपका ट्रायंगल एएफई, ट्रायंगल एबीसी दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा। तो ये एडी मीडियन है, ये एडी तुम्हारी क्या है, ट्रायंगल एबीसी की मीडियन है, एओ ट्रायंगल एएफई की मीडियन होगी, तो मीडियन का लेंथ भी 1:2 होगा, यानी कि यदि एओ तुम्हारा 3 है, तो हमारा ओडी भी 3 बचना चाहिए, एओ 3 ओडी 3, अगर एओ 3 है ओडी 3 है जीडी 2 है, तो ओजी कितना बचा, ओजी बचा 1 और एओ बचा 3, तो एओ से ओजी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:1। इस तरीके से आप इस बात को देख सकते हो, हमने मीडियन की लंबाई को 6 सेंटीमीटर माना, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 पे बांटेगा, यानी कि एजी 4 जीडी 2 हो गया, सिंपल है। अगर हम एओ से ओडी की बात करें, तो एओ 3 ओडी 3, एओ 3 है जीडी 2 है, तो ओजी कितना बचा 1, रेशो कितना है एओ से ओजी का, 3:1 का रेशो आएगा, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार सवाल है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत खूबसूरत है, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल एबीसी आपके सामने त्रिभुज दिखाया गया एबीसी, इसमें एंगल बी 90 है, एबी की जो लंबाई है वो बताई गई है 16, बीसी की जो लंबाई वो बताई गई 24, जी बताया गया सेंट्रोइड, और जी आर ये डाला गया परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओआरजी, ओआरजी मतलब आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ये जो ट्रायंगल ओआरजी कैसे करोगे, तो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैथमेटिकली कर सकते हो ज्योमेट्री से, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके से एरिया निकालने हो, तो बेस्ट मेथड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप यहां पे लगाइए, मैं भी आपको कोऑर्डिनेट से ही सिखाऊंगा, क्योंकि मिड पॉइंट वगैरह सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान होता है। चलिए तो यदि मुझे ट्रायंगल ओआरजी का एरिया निकालना है, तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए आपके ओ पॉइंट के, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए आपके आर पॉइंट के, और मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए आपके जी पॉइंट के, बस, और क्वेश्चन खत्म, यही तो है। यहां पे आपकी, ध्यान से सुनना, यहां पे आपकी जो ट्रायंगल एबीसी है, एबी 16 दिया है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको आगे बढ़ा लो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका मूल बिंदु 0 0, यहां पे आपको दिया है बीसी 24, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 24, 0, यहां पे दिया है आपको एबी 16, तो ए के हो जाएंगे 0, 16, क्योंकि एबी का मिड पॉइंट होगा ओ, क्योंकि सी ओ क्या है आपकी मीडियन है, बट जी सेंट्रोइड है, सी ओ आपकी मीडियन होगी, तो ये जो पॉइंट ओ होगा ये ए और बी का मिड पॉइंट होगा, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0+0 का एवरेज 0, 16+0 का एवरेज 8, तो ओ के कोऑर्डिनेट देखो बड़ी आसानी से आगे 0.8,
कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं किसी को। ओके कोऑर्डिनेट मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया, 0.8, ये हो गया आपका पॉइंट ओ। मुझे चाहिए सेंटर और जी के कोऑर्डिनेट। सेंटर और जी के कोऑर्डिनेट में आपको निकालना सिखा चुका हूं, ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस का क्या लेना एवरेज। एक्स कोऑर्डिनेट निकालें 0 + 0 + 24/3, यानी कि कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे 8, वाई निकालोगे 16 + 0 + 0 = 16/3, ये आ गए आपके क्या वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। अब चाहिए आपको बिंदु आर के कोऑर्डिनेट, पॉइंट आर। पॉइंट आर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए पॉइंट आर आपका वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, मुझे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा मुझे चाहिए बी आर, जो डिस्टेंस चाहिए, ये जो बी आर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो बी आर जो होगा वो बी ओ माइनस, बी आर जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा आपका बी ओ माइनस ओ आर, ये होगा कि नहीं, बी ओ माइनस ओ आर, मुझे इस आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को, तो ये आएगा आपका बी आर, बी आर। अच्छा इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि मुझे डायरेक्टली बी आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, पहली बात तो ये आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला है ये, तो यहां से जो सेंट्रोइड के वाई कोऑर्डिनेट हैं वही आपके बी आर के कोऑर्डिनेट है, जो सेंट्रोइड के वाई कोऑर्डिनेट है वही आपके बी आर के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि सेंट्रोइड की एक्स एक्सिस से दूरी बराबर होगी पॉइंट आर की आपकी एक्स एक्सिस से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं आप यहां ध्यान से, सेंट्रोइड की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और पॉइंट आर के बी से डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस। तो आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0.16/3, 0.16/3, ये आपके पॉइंट ओ आर और जी के कोऑर्डिनेट आ गए। यदि मुझे ट्रायंगल ओ आर जी का एरिया चाहिए, तो कुल मिलाकर मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। आसान है, आसानी से कर सकते हो, मैंने आपको शिफ्टिंग वाला मेथड भी बता रखा है, उससे भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको निकालना है 0, 16/3 एक पॉइंट है, 8, 16/3 एक पॉइंट है, और 0, 8 एक पॉइंट है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 बना लो, सबको आप शिफ्ट कर लो, क्या शिफ्ट कर लो, 16/3, 16/3 शिफ्ट कर लो वाई कोऑर्डिनेट में, 0 यहां पे 16/3 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 8 यहां पे 16/3 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, यहां पे 16/3 माइनस करोगे तो 8/3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, सो बहुत आसान है, बस आप कुछ नहीं करना, ये तो 0 0 हो गया, आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल ओ आर जी का एरिया कैसे निकालोगे, 8 × 8/3, यानी कि 1/2 × 8 × 8/3, और 0 × 0 तो 0 हो गया, 2 × 8 आंसर कितना आ गया, 32/3 आंसर कितना आ गया, 32/3 फर्स्ट ऑप्शन आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन 32/3। तो देखा कितनी आसानी से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिना कोई परपेंडिकुलर की लंबाई निकाले, बिना कोई तामझाम किए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। ओके मुझको दिख रहा है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, परपेंडिकुलर है तो और भी आसान हो गया, और ट्रायंगल राइट एंगल है तो मैं अपने यहां पे एक्सिस भी आसानी से बना सकता हूं, ठीक है, तो बेस्ट मेथड था क्वेश्चन को करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल PQR, PQ बराबर 6, तो मैं यहां पे पहले ट्रायंगल बनाता हूं बड़ा सा, ये बनाया हमने ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR ये से हो गए, और जी हो गया आपका सेंट्रोइड, इसमें जी बताया गया आपका सेंट्रोइड, ठीक है, उसके बाद PQ की लंबाई दिया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, QR दिया आपका 10 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, PR कितना दिया आपका 12 सेंटीमीटर, जी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ GD, ये आपका S नहीं है, ये आपका D पॉइंट है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ GD, आपसे GD की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और ये फाइंड दी वैल्यू ऑफ GS, फाइंड दी वैल्यू ऑफ GS आएगा, सो यहां पे GS कर लेना, GS, फाइंड दी वैल्यू ऑफ GS, ठीक है, तो यहां से हम इसको मिलाएंगे, तो ये आपका S पॉइंट दे रखा है, ये आपका S पॉइंट है, ठीक है, S, और आपका PR कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे PR 12, RS 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये जो RS की लंबाई है ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, तो PS कितना बचा, PS बचा आपका 4 सेंटीमीटर, PS कितना बचा आपका 4 सेंटीमीटर, क्लियर, ये सेंट्रोइड का एक स्पेशल केस है। अच्छा ये सेंट्रोइड जी है, ये वर्टेक्स है, तो यहां से वर्टेक्स से आप सेंट्रोइड को मिलाओगे और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओगे, तो ये क्या बनेगा आपका मीडियन, क्या बनेगा ये आपका मीडियन, क्लियर है, और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गया आपका टी पॉइंट, कोई डाउट, तो ये तुम्हारा आरटी मीडियन होगा, तो ये तुम्हारा पीटी की लंबाई कितनी बनेगी, पीटी की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ हो जाएगा, टी क्यू भी हो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, सेंट्रोइड जो है मीडियन को किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 में, तो ये जो जी आर है ये तुम्हारा 2 होगा, जीटी तुम्हारा 1, 2:1 के रेशियो में होगा जी आर, और ये तुम्हारा जीटी 2:1 के रेशियो में होगा कि नहीं, आपसे क्वेश्चन में पूछिए जीएस की लंबाई, अगर मैं एसआर को देखूं तो 8 सेंटीमीटर, पीएस को देखूं तो 4 सेंटीमीटर, यानी ये भी 2:1, ये भी 2:1, SR भी 8 सेंटीमीटर, PS तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 2:1, ये भी 2:1, यानी कि थेल्स थ्योरम से ये तुम्हारा GS जो है ये तुम्हारा PT के ये क्या आ गया, पैरेलल आ गया, क्या क्या पैरेलल, दोनों लाइन क्या होगी एक दूसरे के पैरेलल हो गई, यानी कि ट्रायंगल जो है आपका SGR और ये जो PTR है दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, ये देखो GR 2 है पूरा 3 है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आपका ये GS कितना बचा 2 सेंटीमीटर, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो बहुत आसान सवाल है, देखिए ये बस इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं था, ये 8 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर 2:1 का रेशियो, ये भी 2:1 का रेशियो हो गया, तो दोनों लाइन क्या होगी आपस में पैरेलल होगी, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन के 2:3 है, ये ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो ये कितना बचा आपका 2 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। चलिए तो आसान क्वेश्चन था, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 5, 6 और 7. एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हैं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर. पी इज ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के प्लेन में कोई पॉइंट पी है, सच दैट पॉइंट पी से तीनों वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का सम 70 है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंट्रोइड. पॉइंट पी की सेंट्रोइड से दूरी क्या है? ठीक है, वैसे तो थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने आपको इसके जिसमें रिजल्ट थ्योरम यूज होने वाली वो मैंने आपको समझाई थी. कैसे? कि जैसे सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और सेंट्रोइड है जी, और यहां पे स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, तो पॉइंट पी से तीनों वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का जो सम होगा, यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा सेंट्रोइड जी से, सेंट्रोइड जी से तीनों वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का सम, यानी कि जी बी स्क्वायर जी सी स्क्वायर जी ए स्क्वायर, यानी कि जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर. ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है ना. प्लस प्लस इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉइंट पी की जो सेंट्रोइड से दूरी होती है, प्लस थ्राइस ऑफ पी जी स्क्वायर, प्लस थ्राइस ऑफ पी जी स्क्वायर. ये रिजल्ट मैंने आपको समझाया था. ठीक है ना. चलिए, अब यहां पे मुझे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर को 70 दे रखा है डायरेक्टली, लेकिन मुझे जी ए जी बी जी सी नहीं पता. लेकिन मैंने आपको कल एक रिजल्ट प्रूफ करके भी समझाया था कि सेंट्रोइड की तीनों वर्टिसेस से दूरियों के स्क्वायर का सम जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर जो होता है वो 1/3 होता है तुम्हारी ट्रायंगल की तीनों साइड के स्क्वायर के सम का. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 1/3 होता है तुम्हारा जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर. कल मैंने आपको समझाया था. तो यहां पे जी ए प्लस जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर की जगह कह सकता हूं 1/3 ट्रायंगल के तीनों साइड के स्क्वायर का सम. तीनों साइड मुझे दे रखे 5 से 7, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और ये प्लस थ्राइस ऑफ पीजी स्क्वायर. क्वेश्चन खत्म. मुझे पॉइंट पी से सेंट्रोइड की दूरी पूछी है, दैट मींस पीजी, मैं पीजी यहां से आसानी से निकाल सकता हूं. 70 माइनस, देखिए 25 प्लस 36 कितना हो गया 61, और 61 माइनस 49 कितना हो गया तुम्हारा 61 प्लस 49 110. ठीक है, तो 70 माइनस 110 बटा 3 बराबर थ्राइस ऑफ पीजी स्क्वायर. 70 के 210 माइनस 110 यानी कि 100 बटे 3 बराबर थ्राइस ऑफ पीजी स्क्वायर. यदि मैं 3 को इधर लाऊंगा तो पीजी स्क्वायर होगा आपका 100 बटा 9. तीन को उधर ले आएंगे तो पीजी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 9. दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो पीजी बराबर 10/3 सेंटीमीटर आ जाएगा. पीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन. पीजी आएगा आपका 10/3, बी ऑप्शन. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान सवाल है, लेकिन कब? जब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 18 है. लेट ए बी सी बी द साइड्स लेंथ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. किसी ट्रायंगल की जो साइड है वो ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं है. डी ई एफ बी द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रोइड जी टू द वर्टिसेस. व्हाट इज द रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. ठीक है ना. चलो, पहली बात तो ये कि सपोज ये आपका कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये कितना हो गया आपका स्मॉल सी हो गया, और ये हो गया आपका सेंट्रोइड जी. सेंट्रोइड जी से जो तीनों वर्टेक्स की दूरियां दी हैं वो क्या दी हैं आपको? डी ई एफ. तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रोइड से तीनों वर्टेक्स की दूरियों के स्क्वायर का जो सम होगा वो 1/3 होगा तीनों साइड के स्क्वायर के सम का. क्लियर है, 1/3 होगा. आपसे पूछा ये रेशियो, तो रेशियो कितना आ जाएगा? इसको उधर ले आओगे 1/3 आ जाएगा, तो 3 बराबर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. ये आ जाएगा आपका. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बी ऑप्शन. ठीक है भाई. सो बहुत आसान शानदार सवाल है, अगर आपको रिजल्ट पता है तो. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना सभी लोगों को. ओके, आइसोसेलस ट्रायंगल क्यू आर एस एच डायमेंशन क्यू आर बराबर क्यू एस बराबर 30 एंड आर एस बराबर सॉरी 60 आर एस बराबर 30. तो आपके पास है एक आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इस तरीके से हो गया आपका ये आइसोसेलस ट्रायंगल क्यू आर एस. इसमें क्यू आर और क्यू एस दोनों की लंबाई बराबर बराबर है 60 60. क्लियर है. और क्यू आर एस कितना है आपका? ये हो गया आपका 30. ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज लोकेटेड एट पॉइंट टी, और उसका सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट टी पे है, तो ये हो गया सेंट्रोइड टी. ठीक है, व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम टी टू क्यू आर. इस पॉइंट टी की क्यू आर से डिस्टेंस क्या है, यह पूछा है. पॉइंट टी से क्यू आर पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो यही डिस्टेंस तो आएगी टी. ये आपसे पूछिए पॉइंट टी की क्यू आर से डिस्टेंस क्या है, टी सेंट्रोइड है. तो कई तरीके से इस सवाल को कर सकते हो. क्यू वर्टेक्स है, टी सेंट्रोइड है. यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जाके मीडियन बनेगा वी, मीडियन बनेगा वी. आपसे पूछा है टी यू, तो यहां पे कई तरीके से आप सवाल को कर सकते हो. मैं बताता हूं सिमिलरिटी से कैसे. पहली बात तो ध्यान से देखो कि ये तुम्हारा जो है आर एस ए 30 है, तो आरवी कितना बचा तुम्हारा 15 है. आरवी कितना बचा तुम्हारा 15 है. आइसोसेलस ट्रायंगल में क्यूबी मीडियन है, तो ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर भी होगा. तो यदि मैं क्यूबी की लंबाई निकालना चाहूं, क्यूबी की लंबाई, यदि मैं क्यूबी की लंबाई निकालना चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी, अंडर रूट 60 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. ये आएगी अंडर रूट 60 स्क्वायर, भाई राइट एंगल ट्रायंगल क्यूबी आर में ये 60 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्यूबी ये आएगा. यहां से देखो 60 को लिख सकते हो 15 स्क्वायर, और 15 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा बाहर 15, अंदर क्या बचेगा आपका 16 माइनस 1 अंडर 15. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए 60 को कैसे लिखोगे, 15 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. देखिए 15 स्क्वायर से 15 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 15. तो क्यों भी बराबर आ गया 15 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर. ये लेंथ क्यों भी आ गई, लेंथ क्यूटी क्या होगी, लेंथ क्यूटी क्या होगी,
सेंट्रॉइड मीडियन को दो अनुपात एक अनुपात में डिवाइड करता है, तो क्यूटी से टीवी का रेशियो दो अनुपात एक होगा, तो क्यूटी क्या होगा, दो बटा तीन होगा पंद्रह अंडर रूट पंद्रह का, तीन से पंद्रह पांच बार कट गया, कितना आएगा दस अंडर रूट पंद्रह, क्यूटी कितना आएगा दस अंडर रूट पंद्रह सेंटीमीटर। इजीली वर्बली आप निकाल सकते हो इस चीज को यहां से पाइथागोरस से। अब ध्यान से देखना, आप यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल की क्यू टी यू, ट्रायंगल क्यू वी आर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 ये 90, तो तीसरा एंगल जो है दोनों ट्रायंगल का ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने यू टी या टी यू जो आपसे पूछा है, बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने तुम्हारा 15, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्यू टी जो कितना है 10 अंडर रूट 15, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कितना है आपका 60, तो 15 चौका 60, दो पंजे 10 और दो दूनी 4, तो टी यू कितना आ गया 5 बटे 2 अंडर रूट 15, टी यू की लंबाई आ गई 5 बटे 2 अंडर रूट 15, सी ऑप्शन, टी यू कितना आ गया 5 बटे 2 अंडर रूट 15, ठीक है। और भी मेथड है इन क्वेश्चंस को करने के, आप उससे भी कर सकते हो, पर सिमिलरिटी सबसे पहले दिमाग में क्लिक किया तो मैंने आपको वही समझाया, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से समझना सभी को ये सवाल, इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, ए रैंडम लाइन ईएफ पासेस थ्रू इट्स सेंट्रोइड, एक कोई रैंडम लाइन है ईएफ जिसके सेंट्रोइड जी से पास करती है, सेगमेंटेड इनटू इट इनटू टू रीजंस, और इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, दो एरिया में डिवाइड करती है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन टू द एरिया ऑफ लार्जर रीजन, स्मॉलर रीजन का लार्जर रीजन से जो मिनिमम पॉसिबल रेशियो होगा वो कितना होगा, तो ये रेशियो होगा आपका 0.8, ये याद रखना आपको। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, पहली बात, ये सपोज ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से समझना, ट्रायंगल एबीसी, ये है सेंट्रोइड जी, अगर मैं सेंट्रोइड जी से कोई भी एक लाइन खींचूंगा तो ये ट्रायंगल को दो अलग अलग एरिया में बांटेगी, तो लार्जर जो स्मॉलर एरिया का, जो लार्जर एरिया से जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये सेंट्रोइड जी से अगर जो लाइन पास करे वो तुम्हारी मीडियन बन जाए, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो लार्जर से जब तुम सॉरी स्मॉलर से जब तुम लार्जर रीजन का रेशियो लोगे तो इस केस में तुम्हारा आएगा 1, जो कि होगा मैक्सिमम, जो कि होगा मैक्सिमम। हमारी बात ध्यान से सुनिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं सेम इसी बात को। सपोज आपके पास है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसका सेंट्रोइड है जी, तो सेंट्रोइड जी से यदि मैं कोई रैंडम लाइन खींचूंगा तो इसको दो एरिया में डिवाइड करेगी, तो स्मॉलर रीजन का लार्जर रीजन से जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम कब आएगा, जब वो लाइन क्या है तुम्हारी किसी एक वर्टेक्स से पास कर जाए, किसी एक वर्टेक्स से पास कर जाए, उस समय आपके स्मॉलर रीजन लार्जर रीजन दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे और स्मॉलर से लार्जर का जो रेशियो होगा 1, ये मैक्सिमम होगा। बट मिनिमम के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, सपोज आपके पास ये तो है मैक्सिमम केस, इसको हम हटा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, मिनिमम के केस में क्या होगा कि आपके पास सपोज ये ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, ये होगा इसका सेंट्रोइड जी, तो स्मॉलर रीजन का जो लार्जर रीजन से जो रेशियो वो मिनिमम कब आएगा, जब वो जो लाइन है वो आपकी सेंट्रोइड से पास करे लेकिन किसी भी एक बेस के पैरेलल हो, यानी कि जो लाइन ईएफ हो इस तरीके से हो, जो लाइन ईएफ हो इस तरीके से हो, इस समय आपका स्मॉलर रीजन से जो लार्जर रीजन का जो रेशियो होगा वो मिनिमम होगा, और देखते हैं कितना होगा, ठीक है। चलिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इस केस में वो मिनिमम होगा, देखते हैं कितना होगा। अगर मैं यहां से इस तरीके से खींचूं तो आपकी मीडियन बनेगी एजी 2 आएगा और ये तुम्हारा ये डीई, ये तुम्हारा 3 आएगा, 2:3, दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल एईएफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होंगे, इनके एरिया का रेशियो कितना होगा 4:9, तो छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4:9, तो स्मॉलर रीजन कितना 4, और ये जो ग्रेटर रीजन जो बचा, जो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बचा, इसका एरिया कितना 5, तो स्मॉलर का लार्जर रीजन से जो रेशियो 4:5 कितना आएगा 0.8, जो कि मिनिमम है, तो मिनिमम 0.8 और मैक्सिमम 1, 0.8 मिनिमम कब होगा, जब सेंट्रोइड से पास होने वाली लाइन किसी भी बेस के पैरेलल हो जाए, इट डजंट मैटर, और मैक्सिमम कब होगा, जब सेंट्रोइड से पास होने वाली लाइन ट्रायंगल की एक मीडियन बन जाए, और मैक्सिमम 1, मिनिमम 0.8, स्मॉलर रीजन से लार्जर रीजन का रेशियो, ठीक है। तो अभी ये 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अभी पहले आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में बाकी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्रायंगल PQR PS इज द मीडियन, द मेजर ऑफ एंगल PRQ इज 30 एंड द एंगल PSQ हैज मेजर 45, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QPS, ठीक है भाई। चलिए देखिए, बहुत आसान सवाल है, एक आपके पास ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे PQR, और इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं साइन रूल में, PS इज द मीडियन, तो इस ट्रायंगल की जो माध्यिका है वो है PS, यानी कि QS की वैल्यू SR के बराबर है, एंगल पी आर क्यू 30 और ये एंगल जो है एंगल पी आर में आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, एंगल पी एस क्यू 45, एंगल पी एस क्यू ये एंगल आपको 45 डिग्री का गिवन है, 45 डिग्री का, ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस ये एंगल थीटा, ये आपसे पूछा एंगल क्यू पी एस की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे इसमें देख सकते हो कि साइन रूल लग सकता है, और भी तरीकों से सॉल्व हो सकता है, पर इजीली लग जाएगा कि आप ट्रायंगल पी एस क्यू को ध्यान से देखिए और ट्रायंगल पी एस आर को, दोनों में साइड पी एस कॉमन है और क्यू एस एस आर के बराबर, तो साइन रूल लगा देंगे यहाँ पे, अगर क्यू एस एक्स है तो ये भी एक्स होगा, पी एस कितना होगा आपका वाई होगा, जल्दी से, तो यहाँ पे एक्स बटे वाई क्या आएगा आपका, एक्स के सामने साइन थीटा और ये वाई के सामने कितना आएगा, वाई के सामने आएगा साइन 135 माइनस थीटा, साइन 135 माइनस थीटा, कैसे 45 प्लस थीटा, तो एंगल कितना बचा 135 माइनस थीटा, ये तो बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। सिमिलरली ट्रायंगल पी एस आर में देखेंगे एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई लगाओगे तो एक्स के सामने कितना ये एंगल, एक्स के सामने कितना ये एंगल, ये 45 है 30 है तो ये एंगल तो 15 डिग्री का हुआ ना, तो एक्स के सामने कितना है भाई साइन 15 डिग्री, साइन 15 बटे वाई, वाई वाई के सामने क्या है साइन 30, वाई के सामने क्या है साइन 30,
क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आसान है, तो दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, तो इक्वल करेंगे, देखिए साइन थीटा बटे साइन 135 माइनस थीटा बराबर साइन 15, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sin 15 degree, क्लियर है ना। चलिए तो यहां से साइन थीटा बराबर जो आएगा वो आएगा 2 sin 15 इंटू साइन 135 माइनस थीटा, sin theta की वैल्यू ये आएगी 2 sin 15 into sin 135 minus theta। अब ऑप्शन में से देख लो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, देखिए sin 15 डिग्री आ रहा है तो 20 या 45 रखने का तो कोई मतलब है नहीं, यहां पे मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, अगर मैं यहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं अगर सेटिस्फाई किया तो आंसर, वरना दूसरा चेक करेंगे, तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे तो sin 30 आएगा आपका इस साइड में, दूसरी साइड में 2 sin 15 into sin 135 minus 30 यानी कि sin 105, और साइन 105 का मतलब क्या होता है तुम्हारा, देखिए साइन 135 माइनस 30 साइन 105, और साइन 105 का मतलब आपका कॉस 15 ही होता है, और 2 साइन 15 कॉस 15 सभी को पता है साइन 30 होता है, तो साइन 30 बराबर साइन 30 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, आंसर है आपका सी ऑप्शन, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, यस क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखेंगे, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन द गिवन फिगर जी इज द सेंट्रोइड, दिए गए चित्र में जी सेंट्रोइड है ट्रायंगल पीक्यूआर का, फाइंड द रेशियो ऑफ रीजन ए टू दैट ऑफ एरिया ऑफ रीजन बी, तो ट्रायंगल ए और ये जो रीजन बी है इनके एरिया का रेशियो क्या है, मतलब ट्रायंगल पीएसटी, ट्रायंगल पीएसटी जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल क्यूएसटीआर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, क्लियर है, तो मैं बता चुका हूं कि पहली बात यहां से देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, दोनों लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, और जब मैं सेंट्रोइड के पैरेलल सेंट्रोइड से पास करती हुई किसी बेस के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं तो एरिया का जो रेशियो मिनिमम कितना बनता है 4/5, फर्स्ट ऑप्शन देखते ही बता दिया हमने, लेकिन आया कहां से वो मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार, ये पी पॉइंट है, अगर मैं इस तरीके से सेंट्रोइड को मिलाऊंगा तो सेंट्रोइड मीडियन को किस अनुपात में बांटेगा 2/1 में, यानी कि ये रेशियो कितना होने वाला है 2:1, यहाँ पे ट्रायंगल पीजीटी और ये दोनों ट्रायंगल क्या बने आपके सिमिलर बने हैं, भाई सिमिलर बने कि नहीं, तो 2:1 है ये रेशियो, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है उनका जो रेशियो वो कितना बनेगा 2:3 बनेगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग लेंथ का ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल पीएसटी ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, इनके मीडियन का अनुपात 2:3 है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का अनुपात 2:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना बनेगा 4:9 बनेगा ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर का, लेकिन ट्रायंगल पीएसटी का एरिया तो 4, तो नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फिर कितना बचा 5 बचा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया कितना है 9, तो आंसर क्या है 4/5, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान है, सिमिलरिटी लगानी है भाई डायरेक्टली, ठीक है चलिए आगे, यस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिए गए चित्र में जी ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड है, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जीईडी इज 4, ये जो ट्रायंगल बन रहा है जीईडी, ये जो ट्रायंगल छोटू सा बना है जीईडी, इसका एरिया है 4 cm², तो आपसे एरिया ऑफ रीजन एबीसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पे यदि आप ए ट्रायंगल एबीसी उसकी दो मीडियन खींचो, आप जैसे यहां पे एडी और सीई खींचनी है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाओ और सेंट्रोइड को मिलाओ तो जो ट्रायंगल बनेगा जीईडी वो पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/12 होगा, क्या होगा 1/12, तो ये तुम्हारे एक मिनट के लिए दे रखी है, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा इसका 12 गुना यानी कि 12 × 48 होगा, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं रिजल्ट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत आसान है पर पेपर में इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन ट्रायंगुलर हुज मीडियंस आर 24, 45 and 51 cm, उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताइए, उस त्रिभुज का एरिया बताइए जिसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 24 cm 45 cm and 51 cm है, देखिए बहुत आसान है, ये लंबाई दे रखी है मीडियन की, मैंने आपको क्या बोला था कि यदि आपको ट्रायंगल की किसी तीनों मीडियन की लंबाई दे रखी हो तो मीडियन की लंबाइयों को साइड मानते हुए ट्रायंगल बनाइए, तो 24, 51, 45 मीडियन की लंबाई है, तो मीडियन की लंबाइयों को साइड मानते हुए ट्रायंगल बनाया, यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर दूं और उसका 4/3 कर दूं तो मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, यही था, मुझे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा जो मुझसे पूछा है, तो 24, 45, 51 देखिए 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज बनाता है 8, 15, 17, यदि हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, 51, 45 ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, यानी कि 51 के सामने ये जो एंगल है 90 डिग्री है, दैट मींस मीडियनों से जो ट्रायंगल बना है ना मीडियन से वो राइट एंगल ट्रायंगल बना समकोण त्रिभुज, जिसका एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं 1/2 24 × 45 निकाल सकते हैं, यदि मैं इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया यानी कि 1/2 24 × 45 × 4/3 3 × 6 = 24, 4 × 16 × 45, 16 × 45 मतलब 720, डी ऑप्शन, तो 720 cm² आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो देखिए कितने आसान सवाल है, इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं सारे, चलिए यस क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को,
थ्री इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शोन इन द फिगर, तो दिए गए चित्र में तीन समबाहु त्रिभुज दर्शाए गए इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज तो हो गया आपका इस तरीके से, एक रख दिया फिर आपका ये, और एक रख दिया फिर आपका इस तरीके से, तीनों के तीनों का इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, एक की साइड के ऊपर है, यानी कि तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीनों की साइड बराबर है एक जैसे, ठीक है। Which is obtained by joining, three equilateral triangles are shown in the figure. Find the area of which is obtained by joining the centroid of each triangle with the side 12 cm. तो ये equilateral triangle है, हर triangle की side दी 12 cm. आपसे पूछा है कि यदि मैं तीनों equilateral triangle के centroid को आपस में मिला दूं, तो जो triangle बनेगा, उसका area क्या होगा? ये पूछा है। तो सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसकी साइड इक्वल होती है तीनों, उसका जो सेंट्रोइड होगा यही सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब कुछ यही होगा, और ये यदि मैं यहां से खींचता हूं सेंट्रोइड से पास होने वाली लाइन, तो यही मीडियन भी होगी, यही एल्टीट्यूड भी होगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी। सेंट्रोइड जो है बेस से 1/3 दूरी पर होगा और वर्टेक्स से 2/3 दूरी पर होगा, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, बात सबको पता है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a, ये भी सबको पता है। तो यदि मैं ये जो ब्लू ट्रायंगल है इसकी सेंट्रोइड लूं, तो इसका सेंट्रोइड पड़ेगा यहां पे बेस से 1/3 दूरी पर, ये जो दूरी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का कितना होगी 1/3 होगी, ये जो दूरी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1/3 होगी हाइट का, सेम टू सेम इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहीं यहां पे होगा, क्लियर है, और ये भी 1/3 हाइट होगी। लेकिन ये जो बीच वाला ट्रायंगल है इसका सेंट्रोइड यहां पे होगा और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 1/3 हाइट होगी, कोई डाउट? अगर मैं तीनों सेंट्रोइड्स को मिला दूं तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, मुझे इसका एरिया पूछा है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो देखिए सभी को पता है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन पे लाई कर देगा, यहां पे सेंट्रोइड यहां पे मीडियन पे लाई करेगा बीचों बीच। तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस तरीके से तो एकदम यहां पे टच करेगा इसको, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसको यहां पे टच करेगा इस तरीके से, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यदि आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो एकदम यहां पे टच करेगा। यदि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वैसे तो काफी तरीके हैं, लेकिन मुझे सिंपल सी चीज पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यदि मैं बेस की बात करूं तो जो बेस, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस ये है, सेम टू सेम बेस यही आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, सेंट्रोइड एकदम यहां पे वर्टेक्स पे टच करेगा, सेंट्रोइड यहां पे और मीडियन एकदम वर्टेक्स पे टच करेगा, क्लियर है ना। यानी कि मुझे पता चलेगा कि किस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो मुझे जो एरिया निकालना है उसका बेस भी 12 सेंटीमीटर है। अब चाहिए क्या मुझे? अब मुझे चाहिए इस ट्रायंगल की हाइट, क्या चाहिए मुझे ट्रायंगल की हाइट? ये दूरी कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3, तो ये दूरी कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या बची? इस ट्रायंगल की हाइट भी बची इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3, 1/3 कंप्लीट हाइट बन गई, क्योंकि सभी को पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 सेंट्रोइड से बेस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 सेंट्रोइड से बेस, तो ये भी कितना बचा? पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 सेंट्रोइड से बेस, क्लियर है। तो मुझे जो रीजन निकालना है उसका एरिया निकालना बहुत आसान है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है ट्रायंगल का 12 है, आपको देखनी है हाइट, हाइट इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 है, तो 1/3 तो करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का है √3/2 × 12, √3/2a होती है, 2 × 3 = 12, 12 से 12 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 12√3, कितना आ गया 12√3, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपका? सी ऑप्शन 12√3। देखिए एक लाइन का वर्बली सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है, यदि आपको कांसेप्ट पता है आप थोड़ा विजुलाइज कर पाते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, 1/3 हो गया 1/3 होगा 1/3 बचा, ये पूरा कंप्लीट 12 है और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान है। इन ए ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ थ्री मीडियंस आर 12, 15, 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी हुई है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एरियाज, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ थ्री स्क्वायर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट्स ऑल साइड, जो ट्रायंगल की तीनों साइड पे जो स्क्वायर बनाए जाएंगे उनके एरिया का सम कितना होगा? देखिए कंसेप्ट समझिए पहले, सपोज ये है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की तीन मीडियन खींचता हूं तो इस तरीके से जाएंगे एडी, बीई और सीएफ, एक दूसरे को सेंट्रोइड जी पे काटेंगे, तो ट्रायंगल की साइड की लंबाई और मीडियन की लंबाई में मैंने रिलेशन बताया था आपको, क्या था कि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर बराबर 4/3, 4/3 गुना होगा ट्रायंगल की तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम का, एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर का 4/3 होगा। क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लंबाई दी हुई है और आपसे ट्रायंगल की तीनों साइड पे जो स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया का, उनके एरिया का सम पूछा है। तो साइड पे स्क्वायर बनाने का क्या मतलब है कि यहां पे एक स्क्वायर बनाओ, यहां पे एक स्क्वायर बनाओ, यहां पे एक स्क्वायर बनाओ, इस तरीके से ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूं जब मैं इनके एरिया का सम करूंगा, एक्चुअली एबी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एबी स्क्वायर आ जाएगा इस स्क्वायर का एरिया, एसी स्क्वायर क्या आ जाएगा इस स्क्वायर का एरिया, बीसी स्क्वायर क्या आ जाएगा इस स्क्वायर का एरिया, मतलब कुल मिलाकर मुझे इस एक्सप्रेशन की ही वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे तीनों मीडियन एडी बीई सीएफ की लंबाइयां दी हुई हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एरिया का मतलब क्या है, साइड का स्क्वायर ही तो होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर, सिंपल सी बात, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तीनों मीडियन दी हुई है, क्वेश्चन खत्म, रख दीजिए यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा बराबर 4/3 ×
ये कितना दिया, 12 15 18, तो 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपल इक्वल टू 4/3। अच्छा 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 18 में भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते तो 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है भाई, 3 3 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 12 इंटू 16 प्लस 25 41 और 41 प्लस 36 77। क्लियर है ना, 12 7 84 प्लस 84 आंसर आ गया तुम्हारा 924, 924। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 924। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। ओके क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी ऐसे दो बार क्वेश्चन करा चुका हूं, ध्यान से देखना सबको। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में एबी की लंबाई 33 दी है, एसी की लंबाई 21 दी है, बीसी जो बेस है ये 42 दिया है, एडी माध्यिका दी है, एडी इज द मीडियन ऑन बीसी, बीई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर। देखिए बीई है और सी एफ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, बीई मीडियन को काटता है पॉइंट क्यू पे, सी एफ मीडियन को काटता है पॉइंट पी पे, तो आपसे पी क्यू की लंबाई पूछी है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की दूरी पूछी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा। ठीक है ना, इसको यहां पर कर देते हैं शॉर्ट में। ठीक, चल आप समझेंगे दिया क्या था क्वेश्चन में। ठीक है ना, आपके पास है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया पहले ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, इस तरीके से है आपके पास, ओके ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये है आपका 33, ये है आपका 21 और ये है आपका बीसी 42। ठीक है भाई, और इसमें डालना है आपको ये मीडियन, तो यहां ने आपसे ये मीडियन डाली है इस तरीके से, तो ये है आपकी मीडियन एडी, एडी और बीडी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और डीसी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां से आपने मीडियन खींचा है, ये मीडियन है आपका बीई। ठीक है, मीडियन ये हो गया बीई जो इसको काट रहा है पॉइंट क्यू पे। क्लियर है भाई, और यहां से मीडियन खींचा है आपने इस तरीके से, मीडियन नहीं सॉरी एंगल बाइसेक्टर, दोनों क्या है एंगल बाइसेक्टर, जो इसको काट रहा है कहां पे पॉइंट पी पे, सी एफ बी एंगल बाइसेक्टर है, सी एफ एंगल बाइसेक्टर है, जो मीडियन को काट रहा है पॉइंट पी क्यू पे, और दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। आपसे पूछा है कि पी क्यू की लंबाई क्या है, आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे करना है। एक्चुअली यहां पे आपको लगानी है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मीडियन एडी की लंबाई। माय फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ मीडियन एडी, क्योंकि मुझे त्रिभुजों की तीनों साइड दी हैं 33 21 42, तो मैं मीडियन एडी की लंबाई आसानी से निकाल सकता हूं अपोलोनियस थ्योरम से। लगाएंगे यहां से, तो मुझे चाहिए साइड बीसी की मीडियन, तो 33 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर 33 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस कितना है आपका 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, चाहे बीडी ले लो चाहे डीसी ले लो एक ही बात है, ये रिजल्ट निकल के आएगा, कोई समस्या? तो 33 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, देखिए दो की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एडी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 21 का स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 2 गुणा 21 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। अच्छा 33 स्क्वायर होता है 1089, 1089, 21 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 21 का स्क्वायर, तो माइनस का 21 स्क्वायर रह जाएगा ना सिर्फ, और 21 का स्क्वायर होता है माइनस का 441 बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर, तो ये 8 ये 4 ये 6, 648 बटे 2 बराबर एडी स्क्वायर, दो से कितनी बार चला जाएगा 324 बार, तो 18 बराबर एडी, तो मीडियन एडी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। यहां पे लिख दे रहे हैं कि जो आपकी मीडियन एडी है उसकी लंबाई है आपकी 18 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? इसको रफ कर देते हैं, मीडियन एडी की लंबाई आपने निकाली अपोलोनियस थ्योरम से कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, मुझे तो लेकिन लेंथ पी क्यू निकाले, तो पी क्यू हवा में से तो आएगा नहीं, आपके पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप निकाल सकते हो पीडी, आप निकाल सकते हो क्यूडी, तो यदि मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे पीडी में से माइनस क्या करना पड़ेगा क्यूडी, पीडी में से क्यूडी माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा पी क्यू की लेंथ बचेगी, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं क्यूडी, क्या निकालता हूं क्यूडी, तो यदि मैं ट्राइंगल ए डी बी त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी को ध्यान से देखो तो बी क्यू एंगल बाइसेक्टर है, बी क्यू एंगल बाइसेक्टर है, तो ये तुम्हारा 33 है, ये तुम्हारा 21 है, तो 11:7 के अनुपात में, किसके अनुपात में, 11:7 के अनुपात में, तो ए क्यू से जो क्यूडी का रेशियो होगा, ए क्यू से जो क्यूडी का रेशियो होगा वो भी 11:7 होगा, कितना होगा 11:7 होगा, भाई ये 33 है ये 21 है ये BQ एंगल बाइसेक्टर है, तो 11:7 के अनुपात में दिख रहा है सबको, किस अनुपात में 11:7 के रेशियो में, तो आपका AQ से QD इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से 11:7 के अनुपात में होगा, लेकिन पूरा AD तो 18 सेंटीमीटर है, तो AQ 11 और QD 7, तो QD मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, QD की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, सो सिंपल, QD की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि AQ 11 QD 7 टोटल 18 है, तो AQ 11 सेंटीमीटर QD 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे,
अब देखिए मुझे निकालना है पीडी, यदि मुझे पीडी की लेंथ पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। यदि हम ट्राइंगल एसीडी, त्रिभुज एसीडी, त्रिभुज एसीडी को ध्यान से देखें, त्रिभुज एसीडी को, तो ये साइड 21, ये साइड 21, एंगल को बनाने वाली साइड 21 21 है, यानी कि 1:1 के अनुपात में है। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये जो एंगल बाइसेक्टर है सीपी, ये अपोजिट साइड को भी 1:1 के अनुपात में ही बांटेगा, यानी कि जो लेंथ एपी की वही लेंथ पीडी की, यानी कि एपी से जो पीडी का अनुपात होगा वो भी क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। लेकिन एडी तो 18 है, तो एपी पीडी का अनुपात एक, यानी कि एपी भी 9 और पीडी भी 9, हाफ हाफ हो जाएगा। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। पीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अगर पीडी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि 7 है, तो पीक्यू कितना बचा, 9 - 7 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था पीक्यू की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ना तो कोई किसी प्रकार की कैलकुलेशन है, ना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस आपको सीधा सा मीडियम की लेंथ निकालनी थी और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी। पहले पीडी निकाल लिया, फिर क्यू डी, बचा गया आपका पीक्यू। क्लियर, कोई डाउट इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सभी लोगों को। चलिए देखेंगे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी बीएम एंड एएन आर मीडियंस। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है त्रिभुज एबीसी, कोई समस्या नहीं है, त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें बीएम है आपका 18, एएन है आपका 21 एंड एबी है आपका 22। ये एबी कितना है आपका 22, एबी तो है आपका 22, ठीक है, और ये बीएम कितना है आपका 18, मीडियन है बीएम और एएन है 21, एएन है 21, ठीक है, एएन 21। तो आपसे पूछा क्या है, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ओएमएन, त्रिभुज ओएमएन की इन रेडियस पूछी है। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओएमएन, इसकी इन रेडियस पूछी है। तो ट्रायंगल ओएमएन की इन रेडियस निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए, क्योंकि आपको एरिया भी चाहिए, सेमी पेरीमीटर भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर यहां पे साइड एबी की वैल्यू कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर, चूंकि एएन मीडियन है तो एन मिड पॉइंट होगा साइड बीसी का, बीएम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा साइड एसी का, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एमएन की जो लेंथ होगी वो 22 का हाफ यानी कि 11 सेंटीमीटर होगी। एमएन तो आ गया आपका 11 सेंटीमीटर, तो एमएन तो हो गया आपका 11। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अगर एएन मीडियन है, बीएम मीडियन है, तो मीडियन एक दूसरे को सेंट्रोइड जी पे काटती है, सॉरी यहां पे सेंट्रोइड ओ है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में बीएम आपको 18 दिया, 18 को 2:1 में ब्रेक करोगे तो ओएम कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ओएम कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, 2:1 में ब्रेक किया, ओएम इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। एएन मीडियन, एएन की लंबाई कितनी दिया, 21, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है, तो ये जो ओएन है ये एक पार्ट कितना आ जाएगा, 2:1 के अनुपात में बांटोगे, ओएन कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ओएन इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो मुझे ट्रायंगल ओएमएन की तीनों साइड पता चल गई, ओएम तो है आपका 6, ओएन है आपका 7, एमएन है आपका 11, तो मैं ट्रायंगल की इन रेडियस आसानी से निकाल सकता हूं, इवन अब तो कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पे हीरोन फार्मूला से देखते हैं ट्रायंगल का एरिया, डेल्टा बराबर सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 7 से 13 + 11 24/2 यानी कि 12, सेमी पेरीमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो डेल्टा बराबर कितना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। क्लियर है, डेल्टा बराबर देखिए 12 इंटू 6 में 12 में 6 छुपा हुआ है, तो 6 बाहर निकाल लेते हैं, और 2 × 5 कितना हो गया अंडर रूट 10, तो ये तो हो गया एरिया। डेल्टा आपको चाहिए इन रेडियस, तो इन रेडियस स्मॉल r बराबर डेल्टा बटे s, डेल्टा है 6 अंडर रूट 10, सेमी पेरीमीटर है 12, 6 दूनी 12 कितनी आएगी इन रेडियस, अंडर रूट 10/2 सेंटीमीटर। क्या आंसर, सी ऑप्शन, अंडर रूट 10/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सो बहुत आसान इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अंडर रूट 10/2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, एंड दैट क्वेश्चन इज लिटिल बिट डेंजरस। ठीक है, ध्यान से देखना, एज शोन इन फिगर, दिए गए चित्र में इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, उसमें एडी ये जो लाइन है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऑफ एंगल बीईसी, बीई इज एल्टीट्यूड, ये जो है बीई ये आपका एल्टीट्यूड है, तो दिस एंगल इज 90, ओके, CF is the median, CF आपकी median है, यानी कि BF बराबर AF, then find the length of PQ, आपसे PQ की length पूछी है, ये length आपसे पूछी है, if the length of side AC, BC, AB दे रखे हैं, 21, 70, 10 respectively, clear है? तो सबसे पहले बनाते हैं diagram, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ये question है आपका, triangle ABC, ये हो गया सबसे पहले त्रिभुज ABC, इसमें AB है आपका 10 और AC है आपका 21, ठीक है, तो इस तरीके से है आपका ये diagram। ये हो गया, ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया आपका बीई, ये हो गया परपेंडिकुलर बीई, ठीक है ना, ओके, और यहां से हमने खींची है ये मीडियन, मीडियन है आपकी सीएफ, ये हो गया आपका मीडियन, मीडियन है सीएफ, क्लियर है, यानी कि आपकी ये जो एएफ की वैल्यू है ये आपके ये बीएफ के बराबर है, दोनों आपस में इक्वल इक्वल हो गया, ओके, यहां से खींचा आपने एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गया एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर, इस तरीके से एडी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पॉइंट हो गए पी और क्यू, आपसे पॉइंट पी क्यू के बीच की दूरी पूछी है, साइड ए बी ए सी बी सी की लंबाई दे रखी है, ठीक है ना, ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका 10, बी सी है आपका 17 और ए सी कितना है आपका 21,
क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज भिड़ा दी है, एक ही क्वेश्चन में आपका एल्टीट्यूड भी है, इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर भी है और इसमें आपका एल्टीट्यूड भी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैसे तो इसमें ज्योमेट्री से तामझाम काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का करने का जो बेस्ट मेथड है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट आसानी से डिसाइड कर सकते हो, उनके बीच के डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो यहां पे ये बना लीजिए आप एक्स एक्सिस, ये तो हो गया एक्स एक्सिस और इसको आगे बढ़ा ले, सॉरी ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये जो पॉइंट ओ है ये बन गया आपका ओरिजिन 0 0 0 0। क्लियर, कोई डाउट इसमें? आपको एसी की लंबाई दी थी 21, तो जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे 21, 0। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, नाउ आपको यहां पे एबी की लंबाई कितनी दी थी 10, AB की लंबाई कितनी दी है 10 और BC की लंबाई कितनी दी है 17, ठीक। अच्छा, सबसे पहले एक तो ये चीज देखेंगे कि जैसे आपके पास सपोज कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये 10 है, ये 17 है और ये 21 है, इसी तरीके से यहां पे परपेंडिकुलर डालो आप BE, तो परपेंडिकुलर डालो 10 17 21 ही परपेंडिकुलर, तो 17 को देख के दिमाग में कुछ आता है और 10 को देख के दिमाग में कुछ आता है, 90 डिग्री है 10 और 17, 10 तो होता है 6 8 10 और 17 होता है 8 15 17, ट्रिपलेट होता है। ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छा फिगर यहां पे सेट किया गया है कि अगर यहां पे आपके पास इस तरीके से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ये है इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये हो गया BE, एक सेकेंड, ये है B और ये हो जाएगा आपका A, ये दिया है 10, और ये दिया है 17, तो 10 और ये 90 डिग्री का एंगल है, 10 मतलब 6 8 10 ट्रिपलेट, 17 मतलब 8 15 17 ट्रिपलेट, 8 दोनों में कॉमन है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 8 मानता हूं तो इसको 6 मानना पड़ेगा और ये 17 8 तो थोड़ी देर के लिए इसको 15 मानना पड़ेगा और 15 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 21, जो कि 21 दे रखा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। ध्यान से देखिए 6 8 10 90 डिग्री का एंगल, 8 15 17 90 डिग्री का एंगल और 6 प्लस 15 21, तो मुझे पता चल गया कि ये जो आपके E पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे 6, 0 होंगे, कितने होंगे 6, 0। क्लियर है ना, क्योंकि A की लंबाई 6 आ गई और ये जो आपके B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखिए x एक्सिस पे तो दूरी 6, y एक्सिस पे दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 8 हो जाएगी, यानी कि B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 6, 8। क्लियर है कि मुझे पता चल गया कि जो आपकी BE की जो लेंथ है, जो एल्टीट्यूड BE है वो आपका 8 है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये तो यहां तक हमने किया एल्टीट्यूड के बारे में बात, मुझे ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना है आपको, ये लाइन क्या है आपकी एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन क्या है आपकी AD क्या है एंगल बाइसेक्टर, जो कि एल्टीट्यूड को पॉइंट क्यू पे काटती है, एल्टीट्यूड को कहां पे काटती है पॉइंट क्यू पे, तो ये तो मैं बड़ी इजीली निकालूंगा, आपको चाहिए PQ, PQ हवा में तो आएगा नहीं, PQ की लेंथ कैसे निकालोगे, PQ की लेंथ निकालोगे PE में से क्यू ई माइनस करोगे, PE माइनस क्यू ई, PQ मतलब टोटली डिस्टेंस, PE उसमें से माइनस क्या करोगे क्यू ई। क्लियर है, चलिए तो क्यू ई मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि जो मेरी लाइन AD है वो एंगल बाइसेक्टर है, मुझे पता है कि AB तुमको 10 सेंटीमीटर दिया है, मुझे पता है कि AE तुम्हारा 6 है, यदि मैं ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB समकोण त्रिभुज AE में ध्यान से AEB में ध्यान से देखूं, ये 10 ये 6, तो रेशियो कितना 5:3 का, रेशियो कितना 5:3 का, ये एंगल बाइसेक्टर, तो BQ से QE का जो रेशियो होगा, BQ से जो QE का रेशियो होगा वो भी 5:3 होने वाला है कि नहीं, BQ से जो QE का रेशियो होगा वो भी 5:3 होगा, जबकि मुझे पता है BE पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो BQ 5 और QE 3, तो मैंने आसानी से निकाल लिया कि QE कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ओके, ये 10 और ये कितना 6, तो 5:3 का रेशियो एंगल बनाने वाली साइड का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BQ से QE का रेशियो 5:3, जबकि टोटल 8 है, तो QE कितना बचा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब मेरा टारगेट है PE की लंबाई निकालना, PE की लंबाई निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ओके, ये जो P पॉइंट है ये तुम्हारी एल्टीट्यूड और ये तुम्हारी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है,
वो डाउट इसमें, ये जो है तुम्हारा ये जो पी पॉइंट है, मुझे सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स तो मुझे पता ही अच्छा है, मुझे पॉइंट पी के सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि मैं क्यों ही तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि क्यों ही आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, और पॉइंट पी है क्या आपकी मीडियन सी एफ और एल्टीट्यूड बी ई का इंटरसेक्शन। पी इज इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, पी पी इज इंटरसेक्शन ऑफ सी एफ एंड बी ई, मीडियन सी एफ और एल्टीट्यूड बी ई का इंटरसेक्शन है। तो यदि मुझे मीडियन सीएफ की इक्वेशन पता हो और एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता हो, तो वहां से सॉल्व करके मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा बहुत आसानी से। ध्यान से देखना, ये कितना है 21.0, एफ क्या है आपका लाइन एबी का, साइड एबी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो एफ के कोऑर्डिनेट होंगे क्या 3.4, एवरेज 3.4, एफ के कोऑर्डिनेट होंगे क्या 3.4। क्लियर है? तो यदि मुझे लाइन सीएफ की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसके कोऑर्डिनेट है 3.4 एंड 21.0। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसके कोऑर्डिनेट है 3.4 एंड 21.0। आसानी से निकाल सकता हूं, y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे 21 माइनस 3 यानी कि 18, x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1 यानी कि 3। ये हो गया, क्लियर है? इस तरीके से निकालते हो, y माइनस 4 बराबर y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये हो गए लाइन CF के कोऑर्डिनेट, लाइन CF के, कोई डाउट इसको, लाइन CF की इक्वेशन ये आ गई लाइन CF की। अगर मैं एल्टीट्यूड BE की बात करूं, तो ये जो एल्टीट्यूड BE है, ये आपकी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के समांतर है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है, यानी कि एल्टीट्यूड BE की जो इक्वेशन है, y एक्सिस के समांतर जो लाइन की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है आपकी x बराबर 6, जबकि BE की जो इक्वेशन है वो क्या है x बराबर 6। कोई समस्या किसी प्रकार की, इसमें किसी को? ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लाइन BE है, ये तुम्हारी y एक्सिस के पैरेलल है और y से 6 डिस्टेंस पर है, यानी कि x बराबर 6 लाइन की इक्वेशन है। यदि मैं दोनों को सॉल्व करूं CF और BE की इक्वेशन को, तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और मुझे पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ही चाहिए। तो यहां पे y माइनस 4 बराबर, देखिए माइनस 4 बटा 18 का मतलब माइनस का 2/9 इनटू x का मतलब 6 माइनस 3 यानी कि 3। ये हो गया, और ये 3 * 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, इधर चला जाएगा 4 और या माइनस का 2/3, 4 माइनस 2/3, 4 * 12 माइनस 2 यानी कि 10/3, तो y बराबर 10/3 आ गया, यानी कि पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 10/3 आ गया, यानी कि पॉइंट P की एक्सिस x एक्सिस से जो दूरी है वो 10/3 है। कितनी है? 10/3। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बस क्वेश्चन खत्म। मुझे चाहिए PQ, तो PQ का मतलब PE, PE मतलब 10/3, मुझे पता है QE, QE का मतलब 3, तो कितना आ गया PQ 3 * 9 = 10 - 9 यानी कि 1/3। PQ की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 1/3 cm, और ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इजीली सॉल्व हो गया, आपने 1/1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि एल्टीट्यूड आपकी मीडियन और आपका एंगल बाइसेक्टर एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया। ठीक है, और ना कुछ में ऐसे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली बना लोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत आसान है। इन ट्राइंगल एबीसी द लेंथ बीसी एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी, ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बीसी को बढ़ाया गया है पॉइंट पी तक। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी, तो डी जो है लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है लाइन ए सी का मिड पॉइंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ पी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हाट, तो ये जो ट्राइंगल बना ट्राइंगल डी एफ पी और ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इनके एरिया का रेशियो क्या है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले एक बात ये पता होनी चाहिए, जैसे सपोज कोई ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी का ये हो गया मिड पॉइंट डी, ये हो गया मिड पॉइंट आपका एफ, और सपोज बीसी का मिड पॉइंट है ई, सपोज बीसी का मिड पॉइंट है ई, तो यहां पे मैंने इसको मिलाया, तीनों मिड पॉइंट है, तो डी एफ क्या बनेगा मिडिल ट्राइंगल, जो कि ओरिजिनल एबीसी ट्राइंगल के एरिया का इक्वल टू 4 होगा, यानी कि इसका एरिया 1 है, तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया 4, ये आपको पता होना चाहिए। कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर है? ठीक है, नाउ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि दो कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में सपोज मैंने बेस बना दिया, ये मैंने बेस बना दिया, तो पैरेलल लाइन के बीच में इस बेस पर मैं कहीं भी कोई ट्रायंगल बना दूं, सबका एरिया क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो आप ध्यान से सुनना, यदि मैं ट्रायंगल डीएफपी, ट्रायंगल डीएफपी और ट्रायंगल डीएफई के एरिया की बात करूं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा कि नहीं, बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि क्यों बराबर होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। ये जो आपका DF है, ये आपका BC के पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी कोई दो ट्रायंगल बना लो, यहां पे मैंने बेस DF पे दो ट्रायंगल बनाए, तो DFP एक DFE, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो यदि मैं E को मिड पॉइंट लेता हूं, तो DFE का एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल किसका DFP के एरिया का रेशियो मुझसे पूछा है, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया तो आया 4, ट्रायंगल DFE का एरिया आया 1, जो कि ट्रायंगल DFP के एरिया के बराबर है, तो ट्रायंगल DFP का एरिया भी कितना आएगा आपका 1, तो ट्रायंगल DFP का एरिया और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो कितना है 1/4, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी तरह की, कोई समस्या? तो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ओके,
The medians ADBE and CF, ADBE and CF, CF होगा ये, ADBE and CF of a triangle ABC intersect in G, which of the following intersection for any triangle ABC is true? इनमें से कौन सी सूचना सत्य है? ठीक है, तो इसमें कौन सी सत्य है? ये B option वाला सत्य है. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूं. जैसे आपके पास सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना. चलिए अब सभी को पता है कि इसमें आपकी ये मीडियन हो गई, एक मीडियन हो गया आपका ए डी, एक मीडियन हो गया आपका बी ई, और थर्ड मीडियन हो गया आपका ये सी एफ, ठीक है ना. ये सारी मीडियंस हैं, ठीक. चलिए और तीनों मीडियंस एक दूसरे को बिंदु जी पे काटती है, पॉइंट जी पे काटती है. तो ये तो है आपका जी ए, ये जी ए लहरता हुआ कांटा, और ये है आपका जी बी, और ये है आपका जी सी. इसके बारे में रिलेशन पूछा है, जी ए जी बी जी सी के बारे में. क्लियर है ना? कोई डाउट? तो आप ध्यान याद करिए, जब मैंने आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मुला प्रूफ करवाया था मीडियंस ऑफ ट्रायंगल के लेके, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 4/3 गुना यदि हम ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई को यूज करते हुए ट्रायंगल बना दें. तो वहां पे मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया था, अगर आपको याद होगा, हमने वहां पे ट्रायंगल फॉर्म किया था जिसमें था 2/3 m2, 2/3 m1, 2/3 m3. अगर आपको याद हो तो ये ट्रायंगल हमने फॉर्म किया था जब हम वहां पे ये ट्रायंगल बना रहे थे, ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे 4/3 ऑफ अंडर रूट एस एम, एस एम माइनस एम वन, एस एम माइनस एम टू, एस एम माइनस एम थ्री. तो हमने ये ट्रायंगल वहां पे बनाया था, सबको याद होगा. ये 2/3 m1 ये क्या, यही तो तुम्हारा जी ए है. 2/3 m2 ये क्या, यही तो तुम्हारा जी बी है. 2/3 m3 यही तो क्या तुम्हारा जी सी. पूरी मीडियन लंबाई, पूरी मीडियन की लंबाई ए डी यानी कि m1 का 2/3, बी जी पूरी मीडियन बी ई की लंबाई यानी कि m2 का 2/3, जी सी पूरी मीडियन एफ सी की लंबाई यानी कि m3 का 2/3. और अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आसान क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत सरल है, देखेंगे. लेट PQR बी ए ट्रायंगल विद PQ बराबर 6 एंड PR बराबर 8 सेंटीमीटर. तो आपके पास एक त्रिभुज है PQR जिसमें PQ है आपका 6 सेंटीमीटर, PR है आपका 8 सेंटीमीटर, PS एक मीडियन है, PS एक मीडियन खींचिए वर्टेक्स P से. तो ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है. टू दी साइड क्यू आर, साइड क्यू पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो बहुत आसान, मैंने आपको बताया यदि हम ट्रायंगल की किसी भी साइड की मीडियन खींचे तो जिस साइड की हम मीडियन खींच रहे हैं उसके अलावा जो साइड बची है यानी कि पी क्यू प्लस पी आर, उनका जो सम होगा वो ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन पी एस से जिस साइड की हमने मीडियन खींची है उससे. बस खत्म. पी क्यू 6 दिया है, पी आर 8 दिया है, तो 6 + 8 = 14. 14 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ पी एस. 14/2 यानी कि 7. 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस. 7 जो हमेशा पीएस से बड़ा होगा यानी कि मीडियन पीएस की लंबाई हमेशा 7 से छोटी होनी चाहिए. सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33. बहुत सरल सवाल है. इफ इन द गिवन फिगर एंगल PQR बराबर 90, दिए गए चित्र में एंगल PQR 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओ इज द सेंट्रॉइड, और दिए गए चित्र में ओ आपका सेंट्रॉइड है यानी कि QM क्या हो गया, QM हो गया आपकी हाइपोटेनियस की मीडियन. QM क्या हो गया, हाइपोटेनियस की मीडियन, कर्ण की माध्यिका. हाइपोटेनियस की मीडियन मतलब कैपिटल R मतलब सर्कम रेडियस मतलब हाइपोटेनियस का हाफ, मतलब हाइपोटेनियस का हाफ. यहां पे PQ 8 QR 15, तो हाइपोटेनियस PR कितना हो जाएगा, 17. ट्रिपलेट 8 15 17. तो आपसे पूछा है OQ की लंबाई पूछिए, यदि PR 17 है तो QM क्या हो जाएगा तुम्हारे हाइपोटेनियस का हाफ यानी कि 17/2. QM कितना हो जाएगा, 17/2. QM इज 17/2. क्लियर है? चलिए 17/2. आपसे पूछा है OQ क्या है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीडियन को दो अनुपात एक में बांटता है, तो ये जो आपका OQ है और ये जो OM है दो अनुपात एक अनुपात होगा, मुझे चाहिए आपका OQ. तो OQ क्या होगा, 17/2 का 2/3 होगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2, 17/3 का मतलब 5.66 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 5.66 सेंटीमीटर. क्लियर है? सबको बात समझ में आई? तो बहुत आसान सवाल था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. G is the centroid of triangle PQR, the medians PS and QT intersect at right angle. चलिए, तो आपके पास है triangle PQR, ये हो गया आपका त्रिभुज PQR. क्लियर? कोई समस्या नहीं है, triangle PQR है, ठीक है. PS and QT intersect at right angles. तो ये हो गई आपकी एक median PS और ये हो गई आपकी एक median QT. PS और QT एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो this angle is 90 degree. This angle is 90. The length of PS and QT are 60. तो PS की length, देखो दोनों median एक दूसरे को point G पे काटेंगे, G centroid होगा. तो G centroid है, ठीक है. और क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा PS बराबर 60, ठीक है, एंड QT बराबर 63. QT की जो लंबाई है वो दिया 63. आपसे पूछे लेंथ ऑफ PQ, QT कितना दिया आपको 63. पूछी है लेंथ ऑफ PQ, PQ मतलब ये लेंथ पूछी है. तो यदि मैं ट्रायंगल PGQ को ध्यान से देखूं, त्रिभुज PGQ को, तो ये जो एंगल, एंगल PGQ 90 डिग्री है, तो मुझे PG और QG की लंबाई पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व, समकोण त्रिभुज है, ठीक. PS मीडियन है, मीडियन जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, सेंट्रॉइड मीडियन को दो अनुपात एक अनुपात में मापेगी, तो 60 को दो अनुपात एक अनुपात में ब्रेक करो तो PG कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर. PG कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर. क्लियर? PG की लेंथ कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर. दिस इज PG. क्लियर? चलिए उसके बाद
QT कितना है? QT आपका 63 दिया है, जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को दोनों पार्ट एक में बांटेगा, तो 63 का 2/3 करोगे तो कितना आएगा आपका 42, QG कितना आ गया आपका 42 सेंटीमीटर, QG 42, ये 90, तो देखते ही पता चलेगा PQ कितना आ गया आपका 58 सेंटीमीटर, PQ कितना आ गया 58, कैसे? सभी को पता है कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट होता है, हमने बताया, यदि दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 दूनी 40, 21 दूनी 42 और 29 दूनी 58, ये भी ट्रिपलेट होगा, यानी कि थर्ड साइड जो होनी चाहिए 58 होनी चाहिए, ये 40 है 42 है, तो PQ कितना होगा 58 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन, ठीक है, तो कितना सरल सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से देखना है। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल PQR, आपको सामने त्रिभुज दिखाया गया, त्रिभुज PQR, जी इसका सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड, तो यानी कि PM मीडियन है, QN मीडियन है, GN दिया है 6, तो GN की लंबाई दी है आपको 6 सेंटीमीटर, GM दिया है 4.5, तो GM की लंबाई दी है आपको 4.5 सेंटीमीटर, ये GM है और ये आपका GN है, कोई दिक्कत नहीं है। PGQ 90 है, तो ये एंगल PGQ आपको 90 डिग्री का गिवन है, फ्रंट लेंथ ऑफ GR, तो आपसे जो लेंथ है GR ये पूछी है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो एंगल 90 डिग्री का गिवन है, इसको देखते हैं इसका क्या यूज है। अगर GN 6 है तो QG आपका 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्यों होगा 12 सेंटीमीटर, सेंट्रोइड मीडियन को दोनों पार्ट में बांटेगा, GN 6 है तो QG 12 होगा, PM मीडियन है, GM 4.5 है, तो ये जो PG है ये डबल तुम्हारा कितना होगा, जो PG है डबल कितना होगा 9 सेंटीमीटर, कितना होगा 9 सेंटीमीटर, क्यों दोनों पार्ट का रेशियो है 4.5 है, देखो 9, अगर ये 12 है ये 9 है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो PQ कितना होगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 12 9 15 ट्रिपलेट होता है, पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो GR की लंबाई पूछी है, GR की लंबाई, तो बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, मुझे ये पता चलेगा कि ये जो आपका PQ है ये आपका 15 सेंटीमीटर है, जी क्या है सेंट्रोइड, यदि आप इसको आगे बढ़ाओ यहां पे इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे तो जाके कहां पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा, इसको मैं नाम देता हूं सपोज एस, इसको मैं नाम देता हूं एस, भाई ये तुम्हारा जी सेंट्रोइड है, आर वर्टेक्स है, आप इसको आगे बढ़ाओगे तो जाके कहां पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो कहां पे जाके मिलेगा, मिड पॉइंट पे, एस क्या होगा मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों लेंथ इक्वल होंगी, आपको एक चीज पता होगी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, जैसे समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी, यदि मैं हाइपोटेनस की मीडियन खींचती सपोज एडी, तो एडी और सीडी तो आपस में इक्वल होगा, बीडी की लंबाई भी वही होगी, तीनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बन जाता है सेमी सर्कल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों सेमी सर्कल की रेडियस होती है, ये आपका सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा PQ 15 है तो ये जो तुम्हारा SG, अगर PQ 15 है तो SG कितना होगा तुम्हारा फिर 7.5 सेंटीमीटर, कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा ये SR मीडियन बन रहा है और ये जो तुम्हारा PS है ये तुम्हारा PQ है 15 है, तो SP भी तुम्हारा 7.5 और तुम्हारा SQ भी 7.5 और SG भी 7.5, सब 7.5 हो जाएगा, लेकिन आपसे GR पूछा है, क्वेश्चन खत्म, RS क्या है मीडियन, G क्या है सेंट्रोइड, तो ये 7.5, तो GR कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, दोनों बातें का रेशियो होगा कि नहीं, डबल होगा, क्या आंसर आपका 15 सेंटीमीटर, आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर, वो डाउट तो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टू मीडियन SP एंड QT ऑफ ट्रायंगल RST इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल, GP 7 GT 18 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इज व्हाट, तो आपके पास सबसे पहले है एक ट्रायंगल RST, तो ये बनाया हमने एक ट्रायंगल, ट्रायंगल RST इधर बनाते हैं, ये हो गया ट्रायंगल RST, त्रिभुज RST, ठीक है भाई, क्लियर है, इसमें टू मीडियंस SP एंड QT, तो ये हो गई मीडियन SP और ये हो गया मीडियन QT, ठीक है, दोनों एक दूसरे को G पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये तुम्हारा सेंट्रोइड हो गया, ये तुम्हारा राइट एंगल दिया है 90 डिग्री का एंगल दिया, क्लियर है, GP दिया है आपको 7 और GP हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और GT दिया है आपको 18 और GT हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, GP दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, ध्यान देने की बात यह है कि यदि GP तुम्हारा 7 है तो ये जो SG है, ये जो SG है ये तुम्हारा 14 होगा, डबल 14 सेंटीमीटर, ये जो तुम्हारा SG 14 होगा क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन को दोनों पार्ट में बांटेगा, GT तुम्हारा 18 दे ही रखा है, जी सेंट्रोइड है, आपको ये थ्योरी भी पता है कि यदि कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से यदि मैं वर्टिसेस को मिलाऊंगा तो जो तीन ट्रायंगल बनेंगे तीनों के तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होने वाला है आपस में इक्वल, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तो यहां पे ये 14 है ये 18 है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं ट्रायंगल SGT का एरिया आसानी से निकाल सकता हूं, क्या होगा एरिया 1/2 14 * 18 1/2 बेस * परपेंडिकुलर, ये होगा, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपने ट्रायंगल RST का एरिया मिल जाएगा, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, क्लियर, तो 2 से 18 9 बार चला जाएगा और ये 14 * 27, ठीक है ना, तो 14 * 7 98 8 और ये 9 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन ट्रायंगल एबीसी जी सेंट्रोइड, ए बी 15 बी सी 18 ए सी 25 फाइंड जीडी वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो आपके पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, मुझे साइड 15 18 और 25 दिख रही है, ठीक है 15 18 और 25, ट्रायंगल एबीसी आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें एबी 15 BC 18 और AC 25, ठीक है, जैसे कोई भी डायग्राम बना लो रैंडम, डजंट मैटर,
इसमें GD, VD is the midpoint of BC, तो side BC का midpoint है D. तो AD क्या होगी आपकी मीडियन होगी, AD क्या होगी आपकी मीडियन होगी, और G सेंट्रोइड है तो G यहाँ पे होगा सेंट्रोइड, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये GD, GD की लंबाई क्या होगी, GD की लंबाई क्या होगी, तो बहुत आसान सवाल है, पेपर का है वो, प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले तो मीडियन AD की लंबाई निकालो, क्या लगाओगे, अपोलोनियस थ्योरम, 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर प्लस, चाहे DD ले लो चाहे DC ले लो, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, 9 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 850, 850 बटे 2 माइनस 81 बराबर AD स्क्वायर, तो 2 से कितनी बार जाएगा 425 बार, 5 में से गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 344 बराबर AD स्क्वायर, ये आएगा 344 बराबर AD स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो AD बराबर अंडर रूट 344 जो कि कितना होता है 4 इंटू अंडर रूट 86, 4 अट्ठे 32 और 6 चौक 24, ठीक है ना, 320 प्लस 24, तो AD बराबर जो आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 86, AD बराबर कितना आया 2 अंडर रूट 86, तो यहां से ये पूरी मीडियन AD की लंबाई 2 अंडर रूट 86 आई, पर आपको तो सिर्फ GD चाहिए, GD होगा क्या, पूरी मीडियन AD की लंबाई का 1/3 होगा, मीडियन AD की लंबाई कितनी है 2 अंडर रूट 86, 2 अंडर रूट 86 बाय 3, ये आ जाएगी आपकी GD की लंबाई, GD बराबर 2 अंडर रूट 86 बाय 3, डी ऑप्शन, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी तरह की कोई समस्या, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल, ओके एक क्वेश्चन आपका रह गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखना सभी लोगों को, कई बार पूछा गया है पेपर्स में, जैसे सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, और इसका सेंट्रोइड है जी, ये हो गया सेंट्रोइड जी, और ये एसीजी को मिलाया गया है, एसीजी को मिलाया गया है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में दिया गया है कि एजी की वैल्यू बीसी के बराबर है, इफ एजी बराबर बीसी देन एंगल बीजीसी इक्वल टू व्हाट, एंगल बीजीसी की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया कि कोई ट्रायंगल एबीसी जिसका सेंट्रोइड है, एजी की लंबाई बीसी के बराबर है तो एंगल बीजीसी कितना होगा, देखिए बहुत सरल सवाल है, आपसे एंगल बीजीसी यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा है, बी से जी को मतलब जी से सी को, ये एंगल के बारे में पूछा, जी सेंट्रोइड है, अगर जी सेंट्रोइड है तो यदि आप ये ए वर्टेक्स से आगे बढ़ाओगे तो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये क्या होगा, साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, अगर बीडी वन है डीसी वन है, BD1 है DC1 है तो BC कितना हो गया, 2 हो गया, तो AG भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, AG भी कितना, यदि BD1 है DC1 है तो BC2 हो गया, AG भी 2 होना चाहिए क्योंकि BC बराबर AG दिया है, अगर मैं मीडियन AD को ध्यान से देखूं तो G सेंट्रोइड है, AG यदि 2 है तो GD कितना होना चाहिए 1, GD कितना होना चाहिए 1, बट अगर अब मैं ट्रायंगल BGC को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल BGC को यदि आप ध्यान से देखो, ये है आपका ब्यूटीफुल ट्रायंगल, ट्रायंगल BGC जिसमें BC का मिड पॉइंट है D और मिड पॉइंट से तीनों वर्टिसेस की दूरियां इक्वल इक्वल ये आ रही हैं, और ये केवल किसमें पॉसिबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के केस में, यानी कि ये जो एंगल है एंगल BGC ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, मैंने आपको बहुत बार बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ये आपका यदि हाइपोटेनस है इस तरीके से BGC, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को यदि आप इस तरीके से मिलाओगे तो तीनों लेंथ बराबर आएंगी, BD बराबर DC बराबर GD सर्कमरेडियस के बराबर, यहां पे तीनों लेंथ इक्वल है तो ये एंगल दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, टोटल मैंने आपको 38 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं और आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है, तो हमने सेंट्रोइड के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जितने भी मैक्सिमम वेरिएशन था, अब हम एक एक ट्रायंगल को स्पेशल फोकस लेकर पढ़ेंगे, इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर ट्रायंगल रोम्बस और फिर उसके बाद सर्कल, देन ज्योमेट्री जाके कंप्लीट होता है, कुछ पोर्शन हमने इनमें मेंसुरेशन का भी कवर किया है, कि मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।